कल तक की जितनी भी चर्चा हुई थी उसको अगर थोड़ा सा और आगे देखें, उसमें जो बचे हुए बाकी के भाव हैं उनको, और न्याय, न्याय क्या है, इसको आज हम लोग देखने का प्रयास जो है इस सत्र में और अगले सत्र में कोशिश करेंगे। अब जब बात पहले दिन से ही ये चल रही है, आज सुबह भी ये चर्चा हुई कि जो मानव की मूल चाहना है वो तो निरंतर सुखी और समृद्ध होने की दिखाई देती है। ये दिख गया कि कोई व्यक्ति पूछा कि भाई अपना बायोडेटा बनाया, रेज्यूम बनाया, क्या लिखा उसमें, लिखा कि भाई मैं कंपनी का सीईओ बनना चाहता हूँ, मैं जो है मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं आईपीएस अधिकारी बनना चाहता हूँ। वो जो आईपीएस अधिकारी बनना चाहता है तो क्या वो भी सुखी होना चाहता है या नहीं? तो दिखता है जो आईपीएस अधिकारी है, जो पायलट है, जो शिक्षक है, जो मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, मैं पायलट बनना चाहता हूँ, तो ये केवल और केवल रास्ते हैं, लक्ष्य तो सुखी होना चाहता हूँ, ऐसा ध्यान में आता है। ये बात ध्यान में आई। दूसरा जो सुख क्या है, तो सुख और आवेश अलग अलग है। तो अभी हम आवेशित होकर जीना चाहते हैं या सुखी होकर जीना चाहते हैं, इसको भी तय कर लें। तो ये बात ध्यान में आई कि संगीत व्यवस्था में जीना ही सुख है। जो मेरे में कल्पनाशीलता में एक व्यवस्था संगीत बना हुआ है, उसके आधार पर मेरा व्यवहार और कार्य हो रहा है, इसी को कहा सुख। और जब इस मानव की जो मूलभूत चाहना का कार्यक्रम कैसा होगा, भाई मानव का जो जो स्तर है, जहां जहां जी रहा है, उन स्तरों को समझ ले, उसके आधार पर जी पाए। तो मानव खुद के साथ जी रहा है, परिवार में, समाज में, प्रकृति अस्तित्व में जी रहा है, चारों ही व्यवस्था को अगर समझ लेता है, उसके आधार पर जी पाता है, तो वो सुखी हो पाता है। अब समझने का कार्यक्रम क्या है, तो देखा कि भाई जांच परख जो है, प्रस्ताव आपके सामने रख रहे हैं, उन प्रस्तावों को सहज स्वीकृति के आधार पर जांच परख कर पाए और जांच परख करने के साथ साथ जी कर भी देख पाए कि परिवार में मेरी क्या भागीदारी है, इस पर हम लोग और आगे चर्चा करते हैं। अब जिसके ऊपर भी मुझे विश्वास और सम्मान की क्लैरिटी हो गई, ऐसे व्यक्ति को हम क्या करेंगे, अपना संबंधी स्वीकार लेंगे कि छोड़ देंगे? अगर संबंधी स्वीकार लेंगे तो एस लिख दीजिए, छोड़ देंगे तो सी लिख दीजिए चैट बॉक्स में। कुछ एक दो लोग जो है वो मैं माइक भी दे देता हूँ, आप लोग बता भी दें। प्रभा दीदी के पास माइक है, संतोष जी के पास माइक है, भारतीय शाख्या जी के पास माइक है। जिस व्यक्ति के ऊपर भी मुझे विश्वास और सम्मान की क्लैरिटी हो गई, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करेंगे, संबंधी स्वीकार लें या छोड़ दें? जी संतोष जी, भारतीय शाख्या जी, बालवीर जी, हेलो। जी बिल्कुल, जिसके साथ मतलब संबंध हमने मतलब उनको पूर्ण रूप से स्वीकार लिया, तो इनके साथ हमने समझ लिया कि मैं इनको अपने जैसा समझ ले रहा, तो उसके साथ संबंध स्वीकार ही करेंगे। जी तो ये दिखता है कि भाई जिसके साथ भी जो है उसको मुझे क्लैरिटी हो गई कि भाई विश्वास है, सम्मान है, ऐसे व्यक्ति को मैं संबंधी स्वीकार लेता हूँ। अब जो ये संबंधी स्वीकारने का भाव है, इसी को कह रहे हैं स्नेह। जो संबंधी स्वीकार, दूसरे को संबंधी के तौर पर जो स्वीकार लिया है, इसी भाव को कह रहे हैं स्नेह। निर्विरोधिता का भाव किसी के अरे आप प्रति, चद्दर किस में रख दिया, चिल्लाएगा वो आपको। अरे जी किसी को भी जो है फिर किसी के प्रति विरोध नहीं, जिसके प्रति भी हमारा विश्वास और सम्मान की क्लैरिटी हो गई है, इसको कह रहे हैं संबंधी का भाव। ऐसे व्यक्ति को हम अपना संबंधी स्वीकार ले रहे हैं और इसको स्वीकारने के भाव को कह रहे हैं उसकी उसके प्रति संबंध में एक निष्ठा होगी, एक कमिटमेंट हमको दिखाई देता है, उसको हम कह रहे हैं स्नेह का भाव। ये बात ध्यान में आती है। अभी जब संबंधी स्वीकारेंगे नहीं, जब इस बात को नहीं दिखता है, तब क्या होता है? तब फिर ये देखता है कि भाई उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो जहां भी स्नेह का अभाव है, वहां ये बात ध्यान में आती है कि भाई
या ईर्ष्या है या द्वेष है, इस तरह का भाव जो है वो देखा ध्यान में आता है। अभी जैसे कल एक प्रश्न भी हुआ था तो कि भाई मैं हूं और मेरी पत्नी है और मेरी माँ है, तो सास बहू में जो है अक्सर ये समस्या बनी रहती है कि भाई माँ को देखें तो वाइफ बोल रही है कि भाई पूरे टाइम आप माँ के ही पास हो, और वाइफ को देखें तो मतलब वाइफ के पास है तो पूरे टाइम माँ ये कह रही है कि भाई आप वाइफ के पास ही हो, और आपस में भी दोनों में नहीं है, बातचीत नहीं हो पा रही है या कुछ लड़ाई झगड़ा, ऐसा बहुत सारा देखा जाता है। अभी अगर विश्वास और सम्मान की क्लैरिटी हो जाती है तो वहां हम दूसरे को संबंधी के तौर पर स्वीकार लेते हैं, फिर हम एक दूसरे के प्रति बहुत परेशान नहीं होते हैं, हमको पूरकता का भाव भी दिख जाता है कि भाई ये जो हमारी बहू है ये इसको ये काम नहीं आता है, अगर ये नहीं आता है तो मैं उस तक पहुंचा सकती हूँ, मैं उसको सिखा सकती हूँ, पर वो जिम्मेदारी के भाव के साथ जीते हुए। भाई सास है, सास को हो सकता है एंड्रॉइड मोबाइल ये चलाना ना आता हो, बहू को आता हो, बहू उसका सहयोग कर सकती है कि भाई मैं आपको ये मोबाइल कैसे चलाते हैं, मैं उसमें सहयोग कर सकती हूँ। तो दोनों एक दूसरे के लिए परस्पर पूरकता का भाव के साथ जी सकते हैं, लेकिन कब, जब विश्वास और सम्मान की क्लैरिटी हो जाती है। लेकिन अगर वो क्लैरिटी नहीं हो पाती है तो फिर बहुत ज्यादा आपस में ईर्ष्या द्वेष ये सब बना रहता है, तो इसकी क्लैरिटी होने की जरूरत है, ऐसा ध्यान में आता है। अभी एक बार एक वर्कशॉप में एक सज्जन आए, वो वर्कशॉप करके गए और वो बोले कि भाई मेरी बेटी है छोटी और उससे छोटा, मतलब बड़ी बेटी है छोटा बेटा है, और आपस में दोनों में बहुत ईर्ष्या द्वेष का भाव दिखाई देता है। उनसे बात हुई, बोले ठीक है कभी बच्चों के साथ आइए भाई, उनके साथ भी कभी वर्कशॉप की जाए। तो वो जो है एक बार अपने बच्ची बच्चे और वाइफ के साथ चारों लोग आए और संस्थान में वर्कशॉप करने के लिए जब आए तो वो बताए कि वो चेन्नई से आए थे, चेन्नई से कानपुर। बोले इतने लंबे सफर में वो बच्ची ने किसी से बात नहीं की, केवल खिड़की से बाहर की तरफ वो देखती रही पूरे सफर, या तो सोती रही या बाहर ऐसा देखती रही। आई जब बच्ची से भी, उन्होंने कहा ठीक है अच्छा बच्ची से बात करते हैं। जब बच्चों से थोड़ी बात हुई तो ये पता चला कि पहले जो है वो बच्ची ही थी अकेली, तो जब कोई भी उसके लिए कुछ गिफ्ट लाता था, मिलने आता था, तो बच्ची से मिल रहा है, उसके लिए गिफ्ट ला रहा है, उसके लिए चॉकलेट ला रहा है, उससे आकर खेल रहा है, ऐसा होता था। लेकिन जब छोटा भाई आ गया तो परिवार का और बाकी सारे सदस्यों का जो वो है वो उस छोटे बच्चे के लिए होने लगा, उस छोटे बच्चे के प्रति ज्यादा लोगों की निष्ठा बढ़ गई, ज्यादा उसके लिए प्यार सम्मान ये सब होने लगा। जब ऐसा होने लगा तो वो बच्ची जो है एक विरोध के भाव में आ गए, तो ये पूछा कि भाई अब क्या किया जाए। तो ये बोला कि अगर अभी भी उस चारों लोगों के साथ या माता पिता के साथ ये चर्चा हुई कि भाई अभी भी इस तरह की बात तो दिख रही है, लेकिन अभी भी जो खिलौने आ रहे हैं, जो चॉकलेट आ रही है, उसको अगर हम बच्ची के साथ शेयर करें, बच्ची को दें और बच्ची से ये कहें कि आप अपने छोटे भाई के साथ शेयर करो, तो कई बार तो वो आधी चॉकलेट भी देती थी और कई बार वो पूरी पूरी चॉकलेट भी दे देती थी। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं अपने घर परिवारों में, तो हो सकता है कि हमारे बच्चों में ही ईर्ष्या और द्वेष का भाव जो वो चीजें हैं वो हो जा रही हैं। लेकिन अगर हम ध्यान दे पा रहे हैं तो हम भी जिम्मेदारी पूर्वक जी पाते हैं और हमारे बच्चे भी जिम्मेदारी पूर्वक जी पाते हैं, ये बात ध्यान में आती है। अगर ईर्ष्या इस पूरे स्नेह और जो इसमें ईर्ष्या द्वेष इस पूरे पर जो चर्चा हुई, इससे रिलेटेड अगर किन्हीं का प्रश्न है तो वो हैंड रेस कर दें, मैं सभी हैंड जो है वो डाउन कर दिए हैं, हैंड रेस कर दें और एक वो प्रश्न लेके आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग, इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, नरेंद्र परमार जी हैं, नमस्ते नरेंद्र भैया, बताइए। नमस्ते सर जी। सर मेरा एक प्रश्न था, अभी जो आप बार बार विश्वास की बात करते मतलब हो रही थी अभी सत्र में, तो सर मेरे साथ एक सिचुएशन ऐसी बन रही है अभी, मैं तो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि हम लोग अभी उसको शाम को ले लें क्या जीडी वाले सत्र में, अगर जी सर शाम को जी जो दोपहर में होगा 2:15 से लेकर 3:15 तक, अगर अभी स्नेह से रिलेटेड हो तो उसको ले लें। सर शाम दोपहर में ले लेंगे सर, दोपहर में ले लेंगे। ठीक जी 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 सर जी।
मोहम्मद आरिफ खान जी हैं, अगर स्नेह से रिलेटेड कुछ बात रखनी हो तो आप शेयरिंग ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं। जी जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ सर, स्नेह का जो आपने अभी बताया सर, तो अभी क्या है सर, माता पिता जो है ना स्नेह में छोटे बेटे को ज्यादा स्नेह करते हैं और बड़े बेटे को बहुत कम करते हैं, जबकि बड़े बेटे की जो कुर्बानी रहती है या उसकी जिम्मेदारी है वो ज्यादा ध्यान देता है, तो ऐसा क्यों होता है? और कहते हैं कि कभी गलती भी हो जाती है, अरे बेटा छोड़ यार, छोटा है वो तो करने दो कर दो, जबकि वो बड़े की ज्यादा वो रहती, तो ऐसा क्यों स्नेह में? थैंक यू सर। अभी अगर हमने क्या है ना, जो ये भेद है, ये जो छोटा बड़ा ये सब तो भेद है, तो भेद के आधार पर जीना हो रहा है। तो ये बात आपकी ठीक है कि भाई कोई छोटा है उसको ज्यादा कुछ हो गया, कोई कई जगह ऐसा भी दिखाई देता है जो बड़ा है परिवार में उसका ज्यादा लाड़ प्यार और ये सब हो रहा है, ऐसा भी दिखाई देता है। तो वो जी कम हो रहा, पर हो तो रहा है वो भी। तो वो एक भेद जो है ना, अगर हमको ये क्लैरिटी नहीं हो पाती है सम्मान की, तो ये सारा भेद बना रहता है। लेकिन अगर सम्मान की क्लैरिटी हो पाती है तो फिर हम सभी लोगों का ठीक ठीक सम्मान कर पाते हैं, ये मुद्दा। तो सर उससे ईर्ष्या आती है ना सर, जो बड़ा जो करता है, और फिर ईर्ष्या तो आती है ना बड़े को, कह रहे यार ये माता पिता छोटे को ज्यादा चाह रहे हैं, अपने को ध्यान ही नहीं दे रहे, जबकि अपन सही कह रहे हैं और वो छोटा गलती कर रहे हैं। जी अभी देखिए क्या है, ये माता पिता, हम ये तो क्या पाते हैं कि माता पिता ध्यान नहीं दे पा रहे, ध्यान हम भी नहीं दे पा रहे हैं। अगर हम भी ठीक ठीक ध्यान दे पाते तो हमारे में भी ईर्ष्या का भाव नहीं आता। हम ये कह तो देते हैं कि भाई माता पिता ध्यान नहीं दे पा रहे, लेकिन अगर हम अपने में भी ठीक ठीक ध्यान दे पाते तो हमारे में फिर ये ईर्ष्या का भाव नहीं आता। हमको ये लगता कि भाई माता पिता को इस बात की क्लैरिटी नहीं है तो नहीं दे पा रहे हम, लेकिन हमको क्लैरिटी हो गई है तो हम जिम्मेदारी पूर्वक जी पाएंगे। वो सम्मान पे भी फर्क पड़ता है ना सर, सम्मान पे भी फर्क पड़ता है। ये वैसे ही है, अक्सर जैसे कभी मैं एक उदाहरण देकर बताता हूँ, कई बार हम लोग जैसे रेलवे स्टेशन जाओ और जैसे बंबई वगैरह जाइए, बहुत भीड़ रहती है ना, तो वहाँ कई लोग जो आंख से नहीं देख पाते हैं वो लोग ऐसा एक कटोरा लेकर कुछ मांगते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं, इस तरह का भी रहते हैं। और कई बार क्या होता है कि वो मतलब वो तो पब्लिक से मांगते रहते हैं और वो आंख से देख भी नहीं पा रहे हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि दो ऐसे व्यक्ति जो नहीं देख पा रहे हैं वो भी आपस में एक दूसरे से मांगने लगते हैं। अब वो कौन किसको देगा, दोनों के पास नहीं हो, दोनों का कटोरा खाली है जी। तो अभी हमारे साथ भी ऐसा हो गया है कि भाई हमको लगता है कि वो हमारे लिए थोड़ा ध्यान देते हैं, उनको लग रहा है कि ये हमारे लिए ध्यान देते हैं, और दोनों को इस ध्यान क्या है, कल्पनाशीलता क्या है, समझ क्या है, इसकी बहुत जानकारी है नहीं, तो दोनों का ही कटोरा खाली दिखाई देता है, दोनों एक दूसरे से अपन सही भी को तो नहीं मान पाते, वो गलत किया तो मान लेते हैं, ये अपन सही भी किए उनसे तो नहीं मान पाते हैं, और वो छोटा अगर गलत भी कहता है तो वो मान लेते हैं। कुछ छोटे के बारे में ऐसी मान्यता हो गई होगी कि भाई ये ठीक है, बड़े के मान्यता में कुछ दूसरी मान्यता हो गई होगी, तो इस तरह का समझ नहीं पा रहा जी। कोई बात नहीं, ठीक है जी, जी धन्यवाद। ठीक, एक प्रश्न हम लोग और ले लेते हैं, सुनील चोपड़ा जी का। जी सुनील जी, अभी जैसे चर्चा आपने बताई थी द्वेष और स्नेह के बारे में, वही देखा है, ये हमारे परिवार में भी हुआ है। मैं अपना ही एग्जांपल बताना चाहता हूँ, जैसे हम दो भाई हैं, तो छोटा भाई हमारा पढ़ने में थोड़ा कमजोर था, तो जब उसको कमजोर था तो उसके ऊपर ही सबसे ज्यादा अटैक हुआ करता था और मुझे कुछ नहीं कहा जाता था, मैं चूंकि बड़ा था और मेरे प्रति ज्यादा स्नेह होता था और पढ़ाई की तरफ सब चीजों पर ध्यान दिया जाता था, तो उसको बचपन से ही इग्नोर किया जाता था और उसको कहा जाता था तुम कुछ नहीं कर सकते जिंदगी के अंदर, तुम ये है, तो ऐसी भावनाएं हमारे माता पिता ने छोटे भाई के प्रति भरी, तो वो उसका ये रिजल्ट निकला कि आज तक वो कोई काम ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये भरा हुआ था कि बड़ा अच्छा है मैं बुरा हूं, तो मैं अच्छे काम क्यों करूं, मैं क्यों पढ़ूं, मैं क्यों नौकरी करूं, मैं क्यों काम करूं। तो इसलिए मेरा ये कहने का मतलब है कि हमें माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर दो बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं, दोनों को बराबर का स्नेह दे, दोनों को बराबर का ही, जैसा कि अभी आपने उदाहरण दिया कि अपनी बहन को कहना चाहिए लड़की को कि वो अपने छोटे भाई को आधी चॉकलेट दे या उसको शेयर करे,
तो हम लोग ये क्या है, माता पिता कभी कभी ऐसी गलतियां भी कर जाते हैं जो कि बच्चों के में आपस में भेदभाव करते हैं। अगर ये भेदभाव नहीं हो, दोनों को एक साथ प्यार मिले, तो वो भी आगे कुछ करने के लिए तैयार है। तो ये मेरे घर का ही उदाहरण है जो अभी आपने बताया, तो मैं उसको कहना चाह रहा था, उसका एग्जाम्पल देना चाह रहा था। जी, अभी जो माता पिता भी ये भेदभाव कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि माता पिता को सारी चीजें पता है और वो जानबूझ के ऐसा भेदभाव कर रहे हैं या अनजाने में हो जा रहा है? नहीं, उन्हें उतनी योग्यता नहीं है। जी, तो ये बात ध्यान में आती है कि भाई का भाव है। उन्हें अभी उतनी समझ नहीं थी। अगर अभी जैसे उनको सुविधा की समझ थी, हमने उनसे कभी 200 रुपए मांगे तो उन्होंने बढ़ा के दिया पैसा। जी, अगर उनको संबंधों की भी समझ होती तो क्या वो इसमें चूक करते, इसको नहीं बताते? तो ये दिखता है, ये भी बताते वो, पर अभी ये समझ नहीं थी। अभी हमको लगता है कि बताओ हमारे माँ बाप ने क्या किया, सब हमारा जीना बर्बाद कर दिया, अब तो किसी काम के नहीं रहे, ये हो गया वो हो गया, ऐसा सब हमको लगने लगता है। जी जी जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुनील जी। ठीक, तो हम लोग थोड़ा सा और एक दो भाव को देख लेते हैं। तो ये बात ध्यान में आती है कि जो दूसरे को संबंधी स्वीकारने का जो भाव है, इसको कहा स्नेह का भाव। जिसके ऊपर भी विश्वास और सम्मान हो गया, ऐसे व्यक्ति को क्या करेंगे? तो दिखता है कि भाई ऐसे व्यक्ति को संबंधी स्वीकार लें, और जो संबंधी स्वीकार लिया, ऐसे भाव को कह रहे हैं स्नेह का भाव। अब जिसको भी संबंधी स्वीकार लिया है, तो ये वो भी मानव है, परिवार की चर्चा हो रही है, वो भी मानव है। तो सामने वाले में मैं भी है और शरीर भी है, तो जो मैं के प्रति जिम्मेदारी है उसको कह रहे हैं वात्सल्य, जो शरीर के प्रति जिम्मेदारी है उसको कह रहे हैं ममता। तो ममता और वात्सल्य, ये दो भाव निकल कर आए। क्या भाव है? जिसको भी मैंने संबंधी स्वीकार लिया, उसके शरीर को पोषण और संरक्षण की जो स्वीकृति है, उसके भाव को कह रहे हैं ममता। और उसमें जो सेल्फ है, सेल्फ को समझदार जिम्मेदार बनाने का जो भाव है, उसको कह रहे हैं वात्सल्य या गाइडेंस। अभी देखें, हम ये देखते हैं कि भाई ये हमारा बच्चा है, हम इसको जो है वो खाना खिला दें। अभी कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, हम उसको मारने भी लगते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? शरीर के लिए मैं पे कुछ गड़बड़ी पहुंचा रहे हैं भाई। जब अगर उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कुछ अंतर्विरोध चले, तो क्या हो रहा है? वो सेल्फ में कुछ गड़बड़ी पहुंच रही है कि नहीं? वो बच्चा समझदार जिम्मेदार बन रहा है या कुछ और बन रहा है? तो हमको दिखता है कि भाई ममता की के लिए हम कई बार इस तरह की गड़बड़ी भी करते हुए दिखाई देते हैं। अभी बचपन में जैसे बच्चों को हम बहुत सारा करते रहते हैं ना कि ये दूध पी लो, नहीं तो वो देखो दीवार से छिपकली आ जाएगी। वो 2-3 दिन तो डर के पी लेता है दूध, तीसरे दिन फिर देखता है कि छिपकली तो आ नहीं रही है। वो कहता है मैं नहीं पीऊंगा, जाओ भाई। फिर हम कुछ और कहते हैं कि वो देखो बाहर वो कुत्ता है, कुत्ता भौंक रहा है, वो आ जाएगा। फिर वो डर के पी लेता है। फिर वो हम वो देखता है कि वो तो रोज ही भौंक रहा है, सुबह भी भौंक रहा है, शाम को भी भौंक रहा है। फिर हम कह देते कि देखो पड़ोस का लड़का के पी लेगा। फिर वो डर इस डर में पी लेता है। फिर 2 दिन बाद उस पड़ोस के लड़के के साथ खेलने जाता है, तो पूछता कि तुम मेरा दूध आके क्यों पीते? बोले भाई मेरे घर में भी यही कहानी चल रही है। तो अब इस तरह से उस बच्चे तक कई बार हम बहुत सारा झूठ बोल बोल के भी जो है इस तरह का काम करते हैं। और झूठ बोलने के भी उसको ये पता चलता रहता है कि भाई माँ बाप झूठ बोलते रहे। अभी आप ये बताएं, कोई भी ऐसा बच्चा दिखाई देता है जो भूखा हो और चुपचाप हो? जब उसको बोलना भी नहीं आता था, तब भी वो बच्चा बोल तो आ नहीं रहा है, रो के आपको ये सूचना देता था कि भाई मुझे भूख लगी है। अभी कोई भी बच्चा ऐसा है कि जो भूखा भी हो और चुपचाप हो? अभी ये दिखता है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो ओबेसिटी के शिकार होते जा रहे हैं। क्यों? हमारा यह है कि हमारे बच्चे को ज्यादा ज्यादा हम खिला दें, इसमें है। और उसको फिर बहुत सारी बीमारी और इस तरह का भी सब दिखाई देता है। और एक आज की डेट में हम लोग ममता और वात्सल्य दोनों को ही सुनिश्चित कर रहे हैं, या हमारा अधिकांश समय जो है वो केवल
ममता पर ध्यान रहता है कि जैसे भाई बच्चे को खाना खिलाते समय उसके शरीर के साथ साथ उसके मैं का भी ध्यान रख पाते हैं क्या, या उसकी पिटाई करने लगते हैं, डांटने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, ये सब हम करने लगते हैं। अभी एक इसी तरह की एक वर्कशॉप में एक उदाहरण ऐसा भी निकल कर आया कि एक बार एक सर आए, वो बताने लगे कि भाई ठंड का टाइम है, ऐसे ही दिसंबर का महीना था, बच्चा जो है स्कूल जाता है वो टोपी नहीं लगाता है, अब मैं परेशान हूँ, वो मैं उसको जबरदस्ती टोपी लगा के दे देता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ जैसे ही वो बस में चढ़ा और वो उतार देता है टोपी, और वो भी देखता रहता है, उतार पिताजी देख रहे पर वो उतार देता, मैं क्या करूं। तो उनके साथ ये बातचीत हुई कि भाई बच्चे से आप जो है चर्चा करें, भाई क्या लगता है बेटा तुमको ये टोपी लगाना ठीक है कि नहीं ठीक है? बोलता है नहीं ठीक है। अच्छा ठीक है, टोपी जो है नहीं लगाओगे तो ठंडी लगेगी कि नहीं लगेगी? तो बच्चा ने कहा लगेगी, ठंडी लगेगी तो बीमार हो जाओगे, बीमार होना ठीक है कि नहीं ठीक है? तो बोला नहीं ठीक है, मतलब बीमार होना तो ठीक चीज नहीं दिखती है, ऐसा बच्चे ने कहा। तो बोले अगले दिन जो है, जब उसके साथ एक दिन पहले ये चर्चा हुई, अगले दिन वो बच्चा जो है वो टोपी लेकर तो गया पर लगाया नहीं, लेकिन उसके एक दिन बाद जो है वो बच्चा टोपी खुद से लगा कर गया और बस में भी बैठा तो लगाया रहा। अगर हम बच्चे का ध्यान दिला देते हैं, बच्चे के सामने कुछ बात हमने रखी, प्रस्ताव पूर्वक रखी, और बच्चे से जो है वो पूछ लिया, तो बच्चे के अंदर भी जिम्मेदारी का भाव है वो निकल कर आ जाता है, उसको ये बात ध्यान में आ जाती है। लेकिन अगर हमारा ऐसी क्लैरिटी हम ही को नहीं है तो फिर हम जबरदस्ती बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। अभी जब हम वात्सल्य की बात करते हैं तो हमने को लगता है कि भाई समझदार और जिम्मेदार बनाने का जो पूरा काम है ये तो हमने स्कूलों को, कॉलेजों को, ट्यूशन को ठेके पर दे दिया है, ये लोग बनाएंगे समझदार जिम्मेदार, मेरा काम तो पूरा भाई पैसा कमाना है, सुविधा कमाना है, मैं ट्यूशन की फीस भर दूंगा, कॉलेज की फीस भर दूंगा, स्कूल की फीस भर दूंगा। कि समझदार जिम्मेदार बनाने का मेरा भी कोई रोल है या नहीं है अपने बच्चों के लिए? कई बार हम इसको माँ से और पिता से भी कर देते कि ममता का भाव जो है वो माँ में होगा और पिता में जो है वो वात्सल्य का भाव होगा, पर संबंधी जिसको भी हम स्वीकार लेंगे उसमें अगर मैं और शरीर है इस बात की मुझे क्लैरिटी है तो शरीर के लिए जो भाव है उसको कह रहे हैं ममता का भाव, और जो सेल्फ के लिए भाव है उसको कह रहे हैं वात्सल्य का भाव। इतनी बात जो है हुई। यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन भी ले लेते हैं, एक अभी तक कोई भी रिफ्लेक्शन आज नहीं हो पाया है जी, तो ये बात दिख रही है, क्या हम ममता और वात्सल्य दोनों सुनिश्चित करते हैं या ज्यादातर ध्यान ममता पर ही केंद्रित रहता है? कुछ एक दो लोग हैंड रेस करके भी बात रख सकते हैं। अर्चना राठौर जी हैं हमारे साथ, नमस्ते अर्चना दीदी, बताइए। शिव कुमार शर्मा जी हैं। हाँ भैया प्रणाम जी, नमस्ते, बताइए। भैया अभी जैसे आपने स्नेह का बताया, ममता का बताया, वात्सल्य का बताया, और आखिरी भाव है अपना प्रेम। तो सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि चारों भावों को हम एक ही मान लेते हैं। आज पहली बार इतना बारीकी से अंतर समझ में आया, तो हम अपनी सामान्य दिनचर्या में इन चारों को अलग अलग कैसे करें? ये बहुत बारीक अंतर है इनमें। जी ठीक बात है। तो ये दिखता है इसने ममता, वात्सल्य, प्रेम, ये सब एक जैसे ही है। मुझे लगता है कि हम लोग एक एक करके इनको देख रहे हैं। स्नेह है तो उसको कहा कि जिसके ऊपर भी मुझे विश्वास और सम्मान की क्लैरिटी हो गई, ऐसे व्यक्ति को मैं अपना संबंधी स्वीकार ले रहा हूँ। उस संबंधी स्वीकारने के जो भाव है उसको कहा स्नेह। जिसको भी संबंधी स्वीकार लिया वो भी मानव है, उसमें भी शरीर भी है और मैं भी है, जो शरीर के प्रति जिम्मेदारी है। तो दिखता भाई शरीर समझदार जिम्मेदार नहीं होता है, मैं समझदार जिम्मेदार होता हूँ। तो शरीर के प्रति क्या भाव है कि भाई पोषण और संरक्षण की स्वीकृति, कि भाई शरीर का पोषण हो जाए, संरक्षण हो जाए, उसको ठंडी ना लगे, उसका टेम्परेचर ठीक से बना रहे, उसको जो भी शरीर को पोषण की जरूरत है वो पहुंच जाए। सेल्फ में पोषण की जरूरत नहीं है, सेल्फ को समझदार जिम्मेदार बनाने के भाव। तो इस भाव को कहा वात्सल्य, और शरीर का जो पोषण संरक्षण है इस भाव को कहा केयर। और आगे अभी हम लोग जब चलेंगे तो प्रेम पर भी चर्चा करेंगे आज ही।
इसका मतलब भैया ये हुआ कि स्नेह जो है मूल है और स्नेह के पार्ट के रूप में ममता वात्सल्य है जी। अभी जब अगर मूल को देखने जाएंगे तो वो आधार भूत जो मूल्य है वो तो विश्वास है जी, विश्वास और सम्मान है, इन दोनों के आधार पर स्नेह है। स्नेह का जो प्रतिफल है या सहज प्रतिफल है वो ममता और वात्सल्य निकल कर आता है। जिसको भी संबंधी स्वीकार लेंगे तो फिर उसके लिए ममता और वात्सल्य का भाव निकल कर आता है जी। भैया धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो अभी ये दिखता है कि भाई बहुत ही एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि लगभग लगभग 54% लोग ये कह रहे हैं कि भाई ममता वात्सल्य दोनों को सुनिश्चित कर पाते हैं, जबकि 46% लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई केवल हमारा जो फोकस है वो ममता पर ही फोकस रहता है। हमको लगता है कि हमारा बच्चा खा ले, हमारा बच्चा कपड़ा पहन ले, पर वो समझदार जिम्मेदार हो जाए इस पर बहुत ध्यान नहीं जाता है। और क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हमारा ध्यान अभी तक इस बारे में नहीं जा पाया, इसलिए बच्चे का भी हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन अगर हमारा ध्यान जा पाता है तो हम बच्चे के लिए भी सहयोगी हो पाते हैं। ठीक, एक दो प्रश्न हम लोग और लेते हैं। श्रीमती रश्मि रघुवंशी जी हैं भैया, प्रेमलता जी ने भी काफी देर से हैंड रेज किया है। अच्छा अच्छा, प्रेमलता जी भी हैं। जी भैया नमस्ते, रश्मि बोल रही हूँ। हाँ, मेरा प्रश्न नहीं है, बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने अपने बच्चे की केयर और गाइडेंस दोनों में बहुत समय दिया है और उसका प्रतिफल भी मुझे दिखता है कि मेरा बच्चा वाकई में अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा अच्छा सोच पाता है और ज्यादा जिम्मेदार मुझे दिखाई देता है। जी जी, ठीक बात है। हम लोग जितना ठीक ठीक बच्चे तक पहुंचा पाएंगे उतना आउटपुट बच्चे में भी निकल के आ पाएगा, वो भी एक्सप्लोर करके ठीक ठीक जी पाएगा। ये बात तो ठीक ही है। बहुत वो समय बहुत देना पड़ता है माँ को, क्योंकि मैं वर्किंग वूमेन थी, उसके बाद भी मैंने अपने बच्चे की जिज्ञासाओं को कभी दबाया नहीं। वो छोटा था, जितने भी प्रश्न पूछता था तो मैं बिल्कुल उसको हर समय समय देती थी। रसोई में काम करते मैं भी वो पूछता ही रहता था तो कभी उस पे झुझलाई नहीं, उसको हमेशा समझाती रही हर बात, तो उसमें समझदारी आ गई बहुत ज्यादा। ठीक बात है, अच्छी बात है कि आप ये चीजें देख पा रही हैं, ऑब्जर्व कर पा रही हैं और बच्चों तक बात को प्रस्ताव पूर्वक रख पा रही हैं। बहुत बढ़िया। हेलो जी, भारतीय शाखिया जी। हाँ जी, हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते, बताइए। सर मेरी दो चीज हो रही है, कल भी मेरा माइक अनम्यूट था तो आप इतनी अच्छी बात बता रहे थे तो मैं बीच में बोल नहीं पाई और फिर माइक फिर चला गया। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ तो मेरी बात रह गई थी, तो अभी दोबारा सर ने माइक दे दिया, उसके लिए थैंक यू। और सर एक चीज और हो रही है, जो आप पोल देते हैं, कल भी मेरा पोल नहीं हो रहा था, आज अभी तो हो गया लेकिन कल भी मेरा पोल नहीं सबमिट हो पा रहा था। जी सर। और सर आज जो आप बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है और शायद सबकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। मैडम ने भी बोला उन्होंने अपने बच्चों को इतना अच्छा किया, मैं भी सर वर्किंग वूमेन हूँ लेकिन सर मेरे साथ समस्या थोड़ा उल्टी है। वर्किंग वूमेन होने के साथ साथ मेरे बच्चे मेरे पेरेंट्स के साथ रहते हैं, इन लॉज के साथ ही रहते हैं, तो वो मुझ पे कम रिस्पॉन्स देते हैं, उनको बातों को ज्यादा ध्यान रखते हैं, मतलब वो मुझे बिल्कुल एक तरह से निगलेक्ट ही कर देते हैं। यदि मैं उनकी बात मानती जाऊं, उनकी जो डिमांड है वो पूरी करती हूँ तो मम्मी ठीक है, अगर एक बात भी या दो बात भी मैं अपनी रखती हूँ बेटा ये ऐसे भी कर लो ऐसे भी कर लो तो नहीं, मतलब उनको मतलब मुझसे उतना लगाव नहीं है, कहने का मतलब ये है उन लोगों से ज्यादा है, लेकिन मेरा उनके प्रति स्नेह ज्यादा है। ये मैं उन लोग आप कह रहे हैं ये इन लॉज की बात कह रहे हैं? हाँ, इन लॉज से मतलब हमारे जेठ जेठानी है, मतलब उनके साथ ज्यादा रहते हैं, मतलब हमारे मम्मी पापा सास ससुर के साथ नहीं रहते उतना, एक्चुअली में जेठानी जी के साथ ज्यादा रहते हैं। वो भी मतलब उनका बेटा बड़ा है तो वो भी फ्री है इस टाइम, वो बच्चे भी अभी लॉकडाउन वगैरह चक्कर में भी घर में रहते हैं, हम लोग को जाना ही पड़ता है, तो वैसे भी वो शुरू से उनके साथ ही रहे, लेकिन तब तक तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, चलो बच्चे ठीक है रिस्पॉन्सिबल है, चलो वहां पल रहे हैं ये हो, लेकिन अब मुझे वो बातें बहुत खलती हैं,
पता नहीं क्यों सर, अब बहुत अल्पविराम ले रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, काफी हद तक अपने आपको चेंज भी कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो ईर्ष्या वाली बात चल रही थी, तो यदि मेरी बेटी यदि उनसे आधा एक घंटा बात कर लेती, मुझे अंदर ही अजीब सा लगने लगता है, क्यों इतनी देर तक उनके पास बैठी है, क्या ऐसी बात चल रही है, और डेली ऐसा क्यों होता है, क्यों उनके पास जाती है, ऐसा पता नहीं क्यों, वो चीज ईर्ष्या नहीं है और समझ भी है मेरे में, अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ होता है, मैं अपने आप को चेंज कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं इतने अल्पविराम ले चुकी हूँ, सब लोग समझा चुके हैं फिर भी, लेकिन काफी हद तक चेंजेस हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमी है मुझे ऐसा लगता है। अभी भारती जी क्या है ना, जो बच्चे हैं तो जब भी हम बच्चों के साथ, वो ऐसे व्यक्ति के साथ मतलब उनको जीना ठीक लगता है जो व्यक्ति उनको कुछ समय दे पाए, और जैसा आपने बताया कि भाई कुछ आप जॉब कर रही हैं और कुछ बच्चों को समय कम दे पा रही हैं, वो जो आपकी मतलब जेठानी जी हैं या और जो लोग हैं वो बच्चों को ज्यादा समय दे पा रहे हैं। अभी हमको लगता है कि हम उनके लिए सुविधा पूरी कर दे रहे हैं, तो हमने उनके लिए कुछ कॉपी किताब और ये सब लाए, पर कई बार ये सुविधा पूरी पड़ती नहीं है। सुविधा के साथ साथ अगर हम बच्चों के साथ कुछ समय भी दे पाए कि हम उनके साथ जो भी उनका जो खेल है, हमको लगता है कि क्या ये बेवकूफी वाला खेल खेल रहे, पर वो बच्चे के हमारे लिए बेवकूफी वाला खेल हो सकता है, वो बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो। लेकिन सर, लेकिन आप वो चीज को नहीं मानते ना। हाँ, अभी हमको लगता है कि अब एक दिन में वो चीजें ठीक हो जाएं, गड़बड़ भी एक दिन में नहीं हुआ है तो ठीक भी एक दिन में नहीं होता है सर, साले लगी हैं तो वो भी शायद सालों में ही, उसमें भी जो है थोड़ा हमको बच्चों के साथ समय देना होगा। हम कई बार क्या होता है कि जब हमने छुट्टी भी ली किया करते हैं और वहां भी बच्चे ने कुछ किया तो वहां भी हमने बच्चे को डांट दिया, चीख लिया, चिल्ला लिया, तो बच्चे को लगा कि भाई क्यों छुट्टी ले ली, बाहर ही रहते तो ठीक रहता है। तो इस तरह की ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कई बार हम ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन वो जो बच्चा है वो ऑब्जर्व करता है इनको, और जो भी छोटा बच्चा है, और बच्चे के अलावा हर एक व्यक्ति को थोड़ा समय है मतलब चाहिए कि भाई किसी से वो बातचीत कर पाए। कोई अभी हम जो है हम उसको हर चीज सुधारने में ही लगे हैं कि बच्चा ऐसा हो जाए, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वो कर ले, बच्चे की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। और बच्चा अब देखिए उसी व्यक्ति के साथ, उसी मानव के साथ रह पाता है जो उसकी बात सुने, उसके साथ कुछ बोल रहा है तो वो सुन ले, उसको जरूरी नहीं है कुछ रिएक्शन करे, कुछ रिस्पॉन्स करे, बस सुन ले। जी सर, इसमें सर क्या होता है, जैसे जहाँ वो लोग रहते हैं वहां उनकी बात सुनी जाती है, ये आप कह रहे हो ठीक है, ये होता भी है एक्चुअल में, लेकिन सर कहीं मुझे ये लगता है कि हर चीज उन्हें प्यार मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है, लेकिन कहीं उन्हें अगर मैं हूँ तो वो मेरे अंदर एक डांट की भावना आ जाती है, मैं उन्हें हर चीज के लिए डांटने लगती हूँ, और मुझे ये भी लगता है कहीं मेरे बच्चे बिगड़ तो नहीं रहे, उन्हें इतना प्यार दिया जा रहा है, मैं भी अगर उतना ही प्यार दूं तो मतलब इतने प्यार प्यार में वो तो नेगेटिव वाली चीजें सीख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर समय उनको हमारे साथ तो नहीं रहना है, आगे और भी लाइफ जीना है। तो अच्छा, वो जो आप डांट रही हैं तो बच्चा कुछ गलती कर रहा है इसीलिए डांट रही हैं? अब गलती तो कुछ नहीं, अब सर वो वहां बैठे हैं एक डेढ़ घंटे से, मैं कहीं पढ़ने का टाइम है, वहां क्यों बैठे, इसी पे मैं डांट देती हूँ तो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो उनका कहना होता है आप हर वक्त आप डांटती रहती हैं, आप हर वक्त ऐसे ही करती है, उन्होंने भी अपनी एक सोच बना ली कि मम्मी हमेशा डांटती रहती है। जैसे आपने ये बोला कि भाई आपने इसलिए डांटा कि भाई बच्चा गलती कर रहा है, कि भाई वो गलती ना करे इसीलिए आपने डांटा, ये डांटना ठीक काम है या ये भी गलती है? गलती तो है सर, लेकिन क्या करें। ठीक ठीक है, एक मिनट एक मिनट, तो ये देखा जब हमको कि डांट जी, हमको जब ये दिख गया डांटना भी गलती है, ये गलती ना हो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? नहीं, हमने सर उनको प्यार से भी समझाया कि बेटा अभी ये आपका पढ़ने का टाइम है। जो प्यार से हमने समझाया, लेकिन समझाने की जगह अगर हम बच्चों को कुछ प्रस्ताव दे पाते ताकि बच्चा कुछ जांच परख कर पाए, अपने में कुछ ध्यान दे पाए, कोशिश तो कर रहे हैं सर, अब देखो थोड़ा देखिए भारती जी, थोड़ा समय तो देना, मतलब मुझे लगता है कि वो ऐसे एक दिन में ठीक हो जाएगा ऐसा तो नहीं है, समय तो देना है। और
ऐसा भी ना हो कि वो उनसे बात ना करे भाई, वो हमसे भी करे उनसे भी करे, हर एक के साथ संबंध पूर्वक जिए। चाहती हूँ आप उनके साथ भी जैसे हो वैसे फ्रेंडली हमारे साथ भी रहो। ठीक है, अभी हम लोग ऐसा करते हैं यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं। ठीक बात है दीपा दीदी, इस तरह का तो बहुत सारा अभी जो है वो हमको अपने ही घर परिवार में दिखता है कि किसी तरह से इस तरह का द्वेष और बहुत सारा कुछ दिखता है। ये लगता है कि भाई एक जगह जहाँ हमको प्यार मिल रहा था, हमारे साथ ज्यादा दुलार हो रहा था, वहीं कोई और व्यक्ति आ गया, तो ये सारी चीजें तो दिखती हैं। लेकिन हम कितनी जिम्मेदारी पूर्वक दोनों बच्चों के साथ, तीनों बच्चों के साथ, जितने भी सदस्य हैं सभी के साथ, ऐसा नहीं कि हमको केवल बच्चों के लिए ध्यान रखना है। जो ममता वात्सल्य है अगर इसको देखें तो, अगर माँ बड़ी है बच्चा छोटा है तो भाई पहले माँ ये देखती है कि भाई बच्चा खाना खा ले, भाई बच्चा बड़ा हो जाता है और माँ बूढ़ी हो गई है, अब वो बच्चा ऑफिस से आता है तो ये ध्यान रखता है कि भाई पहले माँ खाना खा ले फिर मैं खाना खाऊं। हाँ जी रखता है। तो ये परिवार के हर एक सदस्य को हमको देखने की जरूरत है, और हमको अपनी जो इसको कह रहे हैं ना कि भाई जैसे सभी लोग हैं, अगर हमारी दृष्टि सभी लोगों के लिए एक जैसी हो जाए, अर्थात हम सभी जितने परिवार के सदस्य हैं उनको मानव स्वीकार लें, सेल्फ भी है और शरीर भी है, मैं भी हूँ और शरीर भी है, इस तरह से अगर स्वीकार लें और इसके आधार पर अगर हम चीजों को कर पाए तो फिर हमारा जीना ठीक हो पाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाए हैं तो फिर हम बहुत सारा परेशान होते रहते हैं और ये लगता है कि गड़बड़ हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया, ये सब ध्यान में बना रहता है। तो इसीलिए ये बात समझ में आती है कि बहुत जिम्मेदारी पूर्वक जीने की जरूरत है। और अभी जिम्मेदारी पूर्वक हम लोग बहुत सारा सोचते तो हैं कि भाई सुविधा दे दें, ये एक जिम्मेदारी लगती है, लेकिन सुविधा के साथ साथ संबंधों का भी ज्ञान दे दें, क्या ये भी जिम्मेदारी है कि नहीं है? हाँ जी, ये भी जिम्मेदारी है। संबंधों के साथ साथ हमारे बच्चे में सही समझ पहुंच जाए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? जिम्मेदारी है। तो ये दिखता है कि और मैं एक बात कहना चाहूंगी भैया कि ये बात जो है ये प्रैक्टिकली बहुत एप्लीकेबिलिटी मांगती है। मतलब हम जैसा बच्चे में समझ विकसित करना चाहते हैं तो हमें पहले वैसा करके दिखाना पड़ता है। हम सिर्फ उपदेश अगर बच्चे को दें तो वो नहीं मानता, अगर हम करके दिखाते हैं तो वो फिर भी थोड़ा सा झुक जाता है कि माँ ने ऐसा कहा है या माँ ऐसा कर रही है। जैसे कि लोगों का स्वागत करना, लोगों का सत्कार करना, उनसे रेगुलर बात करना या सम्मान करना, तो अगर हम सिर्फ उसको उपदेश दें तो आज का बच्चा देखिए प्रेजेंटली कुछ भी नहीं कर रहा है। आज के बच्चे ने पैर छूने भी बंद कर दिए हैं, धीरे धीरे सब चेंज हो रहा है। और अगर हम करते रहते हैं तो एक उनको एक एक गाइडलाइन मिलती है कि मेरी माँ ऐसा करती थी या मेरी माँ ऐसा करती है। हाँ जी जी ठीक बात है दीदी, ऐसा तो दिखाई देता है आज की डेट में समाज में ऐसा बहुत सारा कुछ हो ही पा रहा है। तो अगर हम ठीक ठीक जी पाते हैं, हम अपने बड़ों का सम्मान ठीक ठीक कर पाते हैं, हम छोटों के साथ सम्मान ठीक ठीक कर पाते हैं, तो वो छोटा भी इस चीज को देखता है। अभी क्या होता है, हमको लगता हम ये कहते हैं ना कि भाई बड़ों का सम्मान करो, क्या कहना ठीक है, बड़ों का सम्मान करो या हर एक का सम्मान करो? भैया मैं तो ये कहती हूँ कि सभी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि देखिए एक तो क्या है पीढ़ी का अंतर आ गया है, तो ये दिख गया कि तत्कालीन बच्चे ना उस तरह से नहीं रह गए भैया जैसे पुराने बच्चे थे, बहुत आदर्शवादी, संस्कारी, जवाब ना देने वाले और प्रश्न ना पूछने वाले। पुराने जमाने के जैसे हमारा बचपन था, हमें मैडम ने पीटा या किसी ने हम पे हाथ छोड़ दिया तो हमारे पास कभी ये लॉजिक नहीं था, हमारे बुद्धि में ये तर्क नहीं आया कि तुमने मुझे क्यों मारा, ये बातें कभी थी नहीं। लेकिन आज बहुत वस्तु स्थिति बदल गई है, तो सभी को सम्मान दें, प्रेम दें और बहुत समझदारी से। कहा आपने कि बच्चे बदल गए हैं काफी और माँ बाप भी काफी बदल गए हैं। हाँ जी, दोनों ही काफी बदल गए। तो ये बात तो ध्यान में आती है कि भाई बच्चे भी नहीं हैं और माँ बाप भी नहीं हैं। और ये दिखता है कि जो बच्चे हैं वो माँ बाप से ही सीख रहे हैं। आज दोपहर में हम लोग या शाम को जब समाज की व्यवस्था पर बात करेंगे ना, तो वहाँ शिक्षा संस्कार एक आयाम है, किस तरह से एक बच्चा जो है वो अनुकरण अनुसरण से शुरू करता है और चीजों को किस तरह से देखता है। तो इस पर एक अच्छा 1.5 घंटे का चर्चा हम लोग इस पर करेंगे आज दोपहर में। हाँ जी भैया बिल्कुल करेंगे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और अपनी बात रख के। जी 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 ठीक है, नमस्ते, नमस्कार।
ठीक है, तो हम लोग थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। कोशिश करेंगे कि इस सत्र में हम लोग जो है वो संबंधों के ऊपर चर्चा कर पाए, और इसके बाद फिर 1:15 बजे से लेकर 1:45 बजे से लेकर 1:15 तक इस सेशन को चलाएंगे। 1:15 बजे से लेकर फिर 1:45 बजे तक लंच ब्रेक रहेगा, और 1:45 से 3:15 तक आपका जिस तरह जीडी रहता है, ग्रुप डिस्कशन, अलग अलग जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उस पे लिंक आता है वहाँ पे, और फिर 3:30 से लेकर और 5 बजे तक समाज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक प्रश्न ले लेते हैं जल्दी से और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सौरभ जी हैं, सौरभ त्रिवेदी जी, सौरभ पुष्प जी त्रिवेदी जी। जी सर, जी नमस्ते, बताइए। नमस्ते सर, मैं सुन रहा था अभी बच्चों के जो भाव है होता है, मेरे घर में भी होता है। मैं अपने बेटे को बीच में ये समझाने लगा था, अभी छोटा सा डिस्कशन चल रहा था जो आपका, तो मैं भी अपने बच्चे से वही बात कर रहा था कि आप भी यही बातें करते हो ना। अभी क्या स्पीकर पे चल रहा था फोन, हेलो सुन जी पा रहे जी हैं सर? जी तो स्पीकर पे फोन चल रहा था, तो आज उनका भैया का स्कूल नहीं था, तो वो भी सुन रहे थे। तो वो भी ये कह रहे, पापा अब आप जो भी चीज लाया करो ना, तो आप मुझे दिया करो, मैं मनु को दिया करूंगा। तो मतलब उनसे खुद से ये चीज उन्हें भी समझ आ रही है, और मुझे भी ये रियलाइज हुआ कि हाँ, अगर हम थोड़ा सा इनको बड़े को जिम्मेदार बनाए तो इन लोगों के बीच ट्यूनिंग अच्छी बन सकती है। ठीक बात है। अभी क्या होता है, बच्चा तो देखिए हर काम में भागीदारी करने के लिए तैयार रहता है। माँ झाड़ू लगाती रहती है तो बच्चा उसके साथ जो है वो झाड़ू ले लेता है, या कुछ और चीज पकड़ लिया वो भी वैसा करने लगता है। जी जी बिल्कुल पिताजी गाड़ी चलाते हैं तो बच्चा भी जो है वो गाड़ी चलाना उसको लगता है कि भाई ये ठीक है, तो वो दिखता है हर काम में भागीदारी करना चाहता है। अभी हम ही बच्चे को क्या होता है, इन्वॉल्व नहीं करते हैं। हम बोलते हैं हटो, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये वो काम करने वाली आएगी वो करेगी, तुम तो राजा बेटा हो, राजा बेटा हो, राजा बेटा हो। अब हम बच्चे को राजा बेटा बनाने लगते हैं, वो भी राजा बन जाता है। जब स्कूल हाँ सही पहुंचता है तो वहाँ 40 राजा बेटा बैठे हैं, अब जी। आपस में जो है वहाँ लड़ाई झगड़ा और ये सब होने लगता है। तो इस तरह की छोटी छोटी जो चीजें हैं, मुझे लगता है इसको हमको अपने घर परिवार में ऑब्जर्व करने की नहीं जरूरत सर, है। होता होता ये है कि कहीं जिंदगी में जिन फील्ड्स में हम फेलियर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा उस जगह फेलियर ना हो, और जहाँ कुछ हम कमी रख पाते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि इनके तरफ से कमी रह के ऐसा ना हो। हम जनरली उसकी क्षमताओं को या उसकी योग्यताओं को हम साइड में रख देते हैं, हम अपना इमेजिनेशन थोड़ा सा उस पे थोपने की जहाँ कोशिश करते हैं, या उसको अपने अकॉर्डिंग चलाने की जहाँ कोशिश करते हैं, वहाँ आके ये थोड़ी सी समस्या आती है। कई बार जब मैं अल्पविराम लेता हूँ तो मुझे भी ये फील होता है कि एकांत में बैठ के जब उस बारे में सोचता हूँ तो हो जाता है। जनरली कभी कभी मूड बहुत अच्छा हो जाता है तो उनको उस हिसाब से समझा भी लेते हैं, और कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं। तो सैद्धांतिक तौर पे ये बातें सभी लोग जानते हैं, क्या सही क्या गलत, क्या अच्छा क्या बुरा, लेकिन कभी कभी परिस्थितियों वश हो जाता है ऐसा कि हम जैसा चाहते हैं वैसे रह नहीं पाते, जी जी तो हो जाता है ऐसा। व्यवहारिक जीवन में ये समस्याएं आती हैं, क्योंकि हम उसको सैद्धांतिक तौर पे समझे, हाँ ये चीज हो सकती है कि हमने कुछ गलत कर दिया, फिर हमने अल्पविराम लिया, या हमने शांति से बैठ के कभी उस बारे में सोचा कि यार ये ऐसा मुझे करना नहीं था, या ये मेरे व्यवहार का हिस्सा नहीं है, बट हो गया, तो वो बाद में समझ में आता है कभी कि यार ऐसा करना नहीं था, लेकिन हो जाता है रिसेंटली, तो फिर उसमें करेक्शन तुरंत कोई पॉसिबल भी नहीं होता। तो तो ये ये जो बातें हैं, ये क्या लगता है, ये बातें सैद्धांतिक हैं या व्यावहारिक हैं? नहीं सर, व्यवहारिक है, बट मैं कह रहा हूं ना आपसे कि थोड़ा तो सा ये है कि जैसे, थोड़ा टफ है अपने में आ जाए। हाँ, ये जैसे आज मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ सर, ठीक है ना, मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मैं बहुत कोशिश करूंगा कि मैं अपने आप को इन सिद्धांतों को अपने व्यवहार में ढालूं, क्योंकि
सिद्धांत तो सभी होते हैं, बचपन से हमें जो सिखाए जाते हैं, जो एटिकेट सिखाए जाते हैं, जो संस्कार सिखाए जाते हैं परिवार में, समाज में रहने के तौर तरीके, वो सारे सिद्धांत है। जैसे अभी बात चली थी कि पहले के बच्चे, अगर थोड़ा सा संक्षेप में रख दें क्योंकि समय हमारे पास कम है। जी कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। तो ये सारी चीजें रहती सैद्धांतिक है, लेकिन हम उनको व्यवहारिक जीवन में ढालते हैं। तो इसी तरह से ये जो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा व्यवहारिक जीवन जो है वो काफी ऐसा हो गया है जो हमको बहुत सहज स्वीकार नहीं है। हाँ सर, वैसा हमारा जीवन हो गया है, तो हम बिल्कुल, जो सहज स्वीकृति है उससे काफी दूर हो गए हैं। अब हमको सहज स्वीकृति को देखना है, उसको रिफर करना है, तो हमको लगता है कि ये टफ काम है। लेकिन ये भी ध्यान में आता है कि टफ तो है पर जरूरी भी है। जरूरी है सर, ये मैंने मेरे लिए जरूरी भी ध्यान में आता है। तो अगर मुझे ये दिख जाता है कि मेरे लिए जरूरी है, तो फिर मैं उसके लिए प्रयास करता हूँ, उसके साथ जीता हूँ। जी सर, कुछ चूक होती है फिर ध्यान देता हूँ, फिर अच्छे से जीता हूँ। इस तरह अपने में बात ध्यान में आती है। जी सर, जी बढ़िया, काफी बढ़िया। आप अच्छे मन लगा के पूरी बात को सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया। ओके सर, थैंक्स, धन्यवाद। ठीक है, तो हम लोग थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, फिर बहुत सारे लोगों के हैंड रेज हैं, हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये बात ध्यान में आई कि जिसके भी प्रति मुझे विश्वास और सम्मान होता है, ऐसे व्यक्ति को मैं संबंधी स्वीकार लेता हूँ। ऐसे व्यक्ति को संबंधी स्वीकारने के जो भाव है उसको कह रहे हैं स्नेह का भाव। अब जिसको भी संबंधी स्वीकार लिया, उस वो भी मानव ही है, परिवार की चर्चा हो रही है, तो मानव में शरीर भी है और मैं भी है। अब शरीर के प्रति जो जिम्मेदारी का भाव है उसको कहा ममता का भाव, और जो मैं के प्रति जिम्मेदारी का भाव है इसको कहा वात्सल्य का भाव। इस बारे में जो है ये चर्चा निकल कर आई। अब अगर मुझमें ये दिखता है कि भाई समझदार जिम्मेदार बनाना है, तो समझदार जिम्मेदार कितना बना है, कहाँ क्या है, तो ये दिखता है कि भाई उस अगर हम श्रेष्ठता के लिए जो प्रयास करते हैं कि भाई मैं श्रेष्ठ हो जाऊं या कोई व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाए, तो मेरे में एक श्रेष्ठता की स्वीकृति हो जाती है। उस श्रेष्ठता की जो स्वीकृति है, ऐसे भाव को कह रहे हैं श्रद्धा का भाव, रिवरेंस, कि मेरे में श्रेष्ठता की स्वीकृति हो गई है। मेरे में किसी व्यक्ति को देखकर या अपने में मैं जांच परख करके देखता हूँ कि भाई कोई पूर्ण व्यक्ति है और हम भी ऐसा हो जाए, तो ऐसे में जो मेरे में भाव आता है उसको हम कह रहे हैं श्रद्धा, या इसकी जो स्पष्टता होती है कि भाई श्रेष्ठ हो जाऊं, इसको हम कह रहे हैं श्रेष्ठता। और श्रेष्ठता को कहा सही समझ की पूर्णता, सही समझ हो जाए। भैया मेरी आवाज ठीक आ रही है? मैसेज कुछ आ रहे हैं कि आवाज ठीक नहीं है? भैया मेरे इन पे तो ठीक है, मैंने ईयरफोन लगाया हुआ है तो मुझे तो ठीक लग रहा है। अच्छा अच्छा ठीक, तो ये बात आती है कि भाई सही समझ की पूर्णता। और दूसरा एक चीज अभी हमको लगता है कि जो हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तो वो श्रेष्ठ होने के लिए कर रहे हैं। अभी देखें, श्रेष्ठता के लिए कार्य करना और एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करना, ये अलग अलग चीज है, ये एक ही बात नहीं है। श्रेष्ठता में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने स्तर पर लाने में सहायता करता है, जबकि प्रतियोगिता में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने स्तर तक पहुंचने से रोकता है कि दूसरा व्यक्ति मेरे जैसा ना हो जाए। इसको कह रहे हैं प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, जो प्रतिस्पर्धा के लिए हम कर रहे हैं उसको कह रहे हैं प्रतियोगिता। पर श्रेष्ठता में क्या है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने स्तर तक लाने का प्रयास करता है, उसको हम कह रहे हैं श्रेष्ठता। अभी अगर इस श्रेष्ठता की समझ नहीं होती है तो यह दिखाई देता है घर में पति पत्नी में एक कंपटीशन हो गया, दोनों लोग नौकरी कर रहे हैं, किसकी ज्यादा सैलरी आ रही है, किसके पास अच्छी कार है, किसके पास ज्यादा साधन है, भाई भाई में ये प्रतिस्पर्धा हो गई, किसके पास बड़ी गाड़ी है, किसके पास बड़ा बंगला है, किसके पास बड़ा घर है, इस तरह का हो गया। तो ये दिखता है जो श्रेष्ठता होती है ये तो हमको सहज रूप से स्वीकार होती है, पर ये जो विशेषता होती है, हम अलग हो जाएं, हम यूनिक हो जाएं,
हम ऐसा कुछ कर लें, तो वो सहज रूप से बहुत स्वीकार हमको जो है वो नहीं होती है। ये बात ध्यान में आती है। यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन भी ले लेते हैं और एक प्रश्न श्रेष्ठता से लेकर, अगर किन्हीं का प्रश्न मैं एक बार हैंड डाउन कर देता हूँ सभी का, जिनके भी प्रश्न श्रेष्ठता से और इस प्रतियोगिता को लेकर है, उससे लेकर है, तो उसको रख सकते हैं। श्रद्धा दुबे जी हैं हमारे साथ। जी श्रद्धा जी बताइए। हेलो जी श्रद्धा जी। सर नमस्ते सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये भाव तो हम इंसानों में सर आता ही है ऐसा, ये बिल्कुल सही है सर, लेकिन सर इस ये ना आए इसके लिए क्या किया जाए? प्रतियोगिता का भाव नहीं ना आए। जी सर। तो अगर मुझे श्रेष्ठता दिख जाएगा कि भाई मैं भी श्रेष्ठता के लिए प्रयास करूं, दूसरा व्यक्ति भी श्रेष्ठता के लिए प्रयास करेगा, तो मुझे नहीं आएगा। लेकिन अगर इस श्रेष्ठता की क्लियरिटी नहीं है, श्रद्धा की क्लियरिटी नहीं है, तो फिर हम बहुत सारा परेशान होते रहते हैं। हम लगे रहते हैं प्रतियोगिता करने में कि उसने कोई नया गहना ले लिया तो मुझे भी गहना लेना है, उसने नई कार ले ली तो मुझे भी नई कार लेनी है। इस तरह में बहुत सारा हम परेशान होते रहते हैं। बच्चे को भी वही देते रहते हैं कि भाई तुमको फर्स्ट आना है, तुमको फर्स्ट आना है, तुमको फर्स्ट आना है। अभी वो क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे फर्स्ट कैसे आएंगे? फर्स्ट मैं ये नहीं कह रहा कि भाई फर्स्ट नहीं आए, कोई आ जाए फर्स्ट भी, पर अगर वो 40 के 40 बच्चे जो बात उन तक हो रही है वो बात को समझ ले, वो ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देता है। लेकिन अभी स्कूल कॉलेज और हमारा और ये सब प्रयास है कि भाई हर बच्चा जो है वो फर्स्ट आ जाए। फर्स्ट एक ही बच्चा आ सकता है, श्रेष्ठ लेकिन सभी बच्चे हो सकते हैं। जी सर, ये सर अभी इस बात का मीनिंग ही नहीं क्लियर था, ये शब्द ही नहीं था, बहुत तभी सर छोटी सोच ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत कम ज्ञान है। तो सर थैंक यू सो मच इन सब चीजों को ध्यान में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं सर। जी थैंक यू, धन्यवाद श्रद्धा जी। शक्ति जी भी हमारे साथ हैं। शक्ति मिश्रा जी। जी नमस्कार सर जी। नमस्ते सर। मेरा जो अभी आपने श्रेष्ठता और प्रतियोगिता में पूछा बताया सर, उसमें सर ये सवाल आ रहा है कि किसी श्रेष्ठता के लिए प्रयास तो सभी कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट लाइफ होती है और जॉब लाइफ होती है उसमें जैसे हम भी श्रेष्ठता के लिए प्रयास कर रहे हैं, सामने वाला भी कर रहा है, पर उसमें जो एक्सेप्टेंस है, कुछ मतलब एग्जाम क्रैक करना है या कुछ पद पाना है, वो लिमिटेड है। तो उसमें थोड़ा सा ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। प्रतियोगिता महसूस मुझे हमेशा होती है, क्योंकि अगर मैं उसके लिए प्रयास करता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं चूक जाता हूँ। और मतलब भाव तो सही है, उसके लिए भी हमें सोचना चाहिए और मैं सोच भी रहा हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर मैं अगर वो हो जाता है तो कहीं ना कहीं मन में ये आता है कि अगर मैं इसकी जगह ज़्यादा प्रयास करता या थोड़ी प्रतियोगिता कर लेता तो शायद मैं उस जगह होता, उस पद पर होता या एग्ज़ाम निकाल लेता। ये स्टूडेंट में भी देखने को मिलता है, और जो कंपटीशन की कोचिंग्स होती है वहाँ भी यही सिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रतियोगिता का भाव से कैसे निकला जाए, ये हमेशा मन में आता है सर जी। अभी क्या है ना, श्रेष्ठता और विशेषता ये दो अलग अलग चीजें हैं। विशेषता जो हम कह रहे हैं कि भाई कोई स्किल आ जाए, कोई कोई एक डॉक्टर है वो विशेषज्ञ है, तो हमने कहा कि भाई वो किडनी का विशेषज्ञ डॉक्टर है, तो विशेषज्ञ है, वो विशेषता है। पर अगर उसमें सही समझ नहीं होगी तो हो सकता है वो किडनी को ठीक भी करे, हो सकता है किडनी निकाल के बेच भी दे। तो अगर वो विशेषता, अभी देखिए जो बहुत सारा जो प्रयास हो रहा है हमारा कि हम कुछ विशेष हो जाएं, हम किसी प्रतियोगिता में हो जाएं और हम एक विशेष हो जाएं, हम अलग हो जाएं, हम ऐसा कुछ कर लें, और इसके लिए हम बहुत सारा कंपटीशन करने में लगे हुए हैं। जैसे यहाँ 150-200 लोग जुड़े हुए हैं, ये बातें सभी को समझ में आ जाएं तो ये सभी के साथ एक साथ शेयर कर दी जा रही हैं, और जो व्यक्ति जितना एक्सप्लोर अपने में कर पाएगा, जितना चीज़ों की जाँच परख कर पाएगा उतना वो देख पाएगा। एक तो ये तरीका हो सकता है, एक ये भी तरीका हो सकता है कि भाई
सामने वाले हम यहाँ पर कंपटीशन करते हैं कि भाई जो फर्स्ट आएगा उसी को सर्टिफिकेट मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा, ये भी हो सकता है। जी। तो ये दिखता है कि वो जो समझने का काम है, जो श्रेष्ठता का काम है, वो सभी में हो सकता है। अब जो आप बात कर रहे हैं कि भाई कंपटीशन में कोई आ रहे हैं तो वहां कुछ भागीदारी की कुछ बात है, भागीदारी के लिए 2-4-10 सीट जिस तरह का है, और वो भी सिस्टम प्रकृति द्वारा बनाया हुआ नहीं है, वो भी सिस्टम हमारे द्वारा बनाया हुआ है। प्रकृति में ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग समझदार होंगे, प्रकृति का तो ऐसा भी नियम है कि भाई हर एक व्यक्ति समझदार जिम्मेदार होकर जी सकता है, लेकिन जहां हमारे द्वारा बनाया हुआ कुछ नियम है तो वहां पर कुछ लोग किसी बड़े पद पर हैं, कुछ लोग छोटे पद पर, पर वहां पर भी सब लोग मिलकर जिम्मेदारी तो यह है कि भाई परस्पर पूरकता के भाव से जी पाए। अभी तो ये भी चाहेंगे जो ऊंचे पद पर व्यक्ति हो वो भी समझदार जिम्मेदार हो, जो छोटे पद पे व्यक्ति हो वो भी समझदार जिम्मेदार हो। जी 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 धन्यवाद जी। सुषमा गुप्ता जी भी साथ में जुड़ गई हैं। सुषमा दीदी आपके पास माइक है, दीदी अपना प्रश्न आप रख सकती हैं। जय प्रकाश जी, जय प्रकाश आनंद जी, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, अभी को नमस्कार भाई। ये श्रेष्ठता और प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा पर जो बात चल रही है, इसमें मैं कहना चाहता हूँ प्रतियोगिता में जैसा कहा गया है वह दूसरे को अपने स्तर तक पहुंचने से रोकता है, इसको मैं ये थोड़ा मुझे नकारात्मक भाव जैसा लग रहा है। मुझे ये लगता है प्रतियोगिता में कोई भी व्यक्ति अपने जो श्रेष्ठ है उसको और स्किल को और डेवलप करने की कोशिश करता है, मतलब श्रेष्ठतम श्रेष्ठ ऐसा करता है, तब जाके प्रतियोगिता में वो सफल होगा। ये क्या ये भावना सही है क्या? अभी देखिए जो श्रेष्ठ है उसको तो कह रहे हैं सही समझ की पूर्णता। और सही समझ क्या है? जो चारों स्तर की व्यवस्था है, मेरी खुद की, मेरे परिवार की, समाज की, प्रकृति अस्तित्व की, इसकी मुझ में जो व्यवस्था है इसकी मुझ में समझ हो जाए, इसको कह रहे हैं श्रेष्ठता। अभी लेकिन जो प्रतियोगिता की बात करते है ना, तो वहां देखेंगे जब अभी हम विशेषता में पहुंचते कि भाई मैं सबसे तेज धावक हो जाऊं, तो ये दिखता है जो सबसे तेज धावक हो जाए वो भाई अपना प्रयास कर रहा है कि वो सबसे तेज रहे, दूसरा व्यक्ति उससे तेज ना हो, दूसरे को टिप्स बता देगा कि भाई ऐसे दौड़ना ठीक है, ये दौड़ना ठीक है, ऐसा तो ठीक। इसमें वो दूसरे को पहुंचने से रोक नहीं रहा, ये रोकने से उसमें नेगेटिव भाव आ रहा है, ऐसा 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 वो अपने आप को इतना डेवलप कर रहा है उससे आगे निकल जाए, ये कहने का तरीका मैं बताना चाहता हूँ। देखिए कोई भी धावक तेज निकल गया, उसने दूसरे को रोका नहीं, उसने सबको मौका दिया, उसने अपने आप को इतना डेवलप किया कि वो बाकी लोग पीछे रहे, ये है जी। लेकिन अभी जहाँ पर हम समाज में जी रहे हैं वहाँ तो ये भी दिखाई देता है कि हम लोग एक दूसरे को रोकने में भी लगे हैं, देखिए भाई उनका प्रमोशन ना हो पाए। हाँ, तो हम उस दिशा में नहीं जाना, वो नकारात्मक भाग है। बात तो यही हो रही है कि हम श्रेष्ठता के लिए प्रयास करें या प्रतियोगिता के लिए प्रयास करें, किसी को रोके नहीं। हम ये स्वच्छंद वातावरण में हम किसी को रोकने का अधिकार नहीं भी है, अपने आप को श्रेष्ठ करो, निकल जाओ आगे, ये मेरा। प्रकाश सर यहाँ दो बातें हैं, आप बात कर रहे हैं किसी कला की कौशल की है ना, हाँ, और भैया जो बात कर रहे हैं ना वो जीने के योग्यता की बात कर रहे हैं। अच्छा, श्रेष्ठता का मतलब क्या है कि मैं स्वयं सही समझ के साथ जीऊं, परिवार के संबंधों को, भावों को ठीक ठीक समझकर परिवार में भावपूर्ण तरीके से जी पाऊं, समाज की जो व्यवस्था है ना उस व्यवस्था को समझ के वहां पे अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करूं, और प्रकृति अस्तित्व की व्यवस्था को समझकर वहां पर भी अपनी भूमिका का निर्वाह करूं, यानी सही समझ के साथ सही जीना, इसको हम श्रेष्ठता कहें। पर आप जो कह रहे हैं किसी विशेष कौशल, किसी विशेष हुनर को विकसित करने की बात आप कर रहे हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं ये थोड़ी सी बात और रख दूं तो फिर वहां से और बात कुछ क्लियर हो पाए, जो भी श्रेष्ठता और प्रतिस्पर्धा में बात चल रही है, और फिर इसमें जो है प्रश्न ले लेते हैं।
अभी जो श्रेष्ठता के लिए प्रयास है उसमें क्या है कि भाई दूसरा मेरे जैसा है, परस्पर पूरकता का भाव ध्यान में आता है। भाव कैसा रहेगा, एक सहज स्वीकृति के आधार पर जो है वो भाव ध्यान में आता है, बिना शर्त के, संबंध के, कि नहीं भाई दूसरा मेरे साथ ठीक रहेगा तभी मैं उस तक बात को ठीक ठीक पहुंचाऊंगा। दूसरों के पोषण का भाव बना रहता है और दूसरे को अपने जैसा बनाने में हम सहयोग करते हैं कि भाई दूसरा मेरे जैसा हो जाए। अभी जैसे मैं बात रख रहा था लेकिन भैया तक बात नहीं पहुंच पाई, तो राघवेंद्र जी ने सहयोग किया कि भाई ये बात जो है इस तरह से अगर बता दें तो शायद जयप्रकाश जी से तक बात को ठीक से पहुंच जाए। तो हम एक दूसरे के परस्पर पूरकता का भाव दिखाई देता है। वहीं प्रतिस्पर्धा में अगर लगे हों तो ये कह के नहीं नहीं भाई जो इन्होंने बात की ये ठीक नहीं, मैं बताता हूँ मेरी ये बात ठीक है, हम इस तरह से भी उस कर सकते हैं। तो ये दिखता है भाई समाज में ऐसा भी बहुत सारा है। तो श्रेष्ठता के लिए जो बात है उसको ये कहा कि भाई दूसरा मेरे जैसा है और हम लोग परस्पर पूरकता के भाव से उस चीज को रख रहे हैं। लेकिन प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, दूसरा मेरे जैसा नहीं है, मैं विशेष हूँ, मैं दूसरे से अलग हूँ, मैं दूसरे से बेहतर हूँ, मेरी कुछ मान्यताएं बन गई हैं, कुछ भाव के आधार पर, कुछ मान्यताओं के आधारित पर हो गया है, और जो कि अनिश्चित है, परिवर्तन होता रहता है उसमें, शर्तों पर आधारित है कि एक शर्त हो गई है उसके दूसरी शर्त है, और उसमें हो सकता है मैं दूसरे का पोषण का भी कोशिश करूं, हो सकता है दूसरे का शोषण का भी कोशिश करूं, एक का पोषण करने की कोशिश करूं और दूसरे की शोषण की भी कोशिश करूं, ऐसा भी हो सकता है। दूसरों को अपने जैसे से रोकता हूं कि दूसरा मेरे जैसे ना हो पाए, भेद को बढ़ाता हूं या भेद बनाए रखता हूं कि भाई भेद बना रहे मुझ में और उसमें, चालाकी करने का, शोषण करने का प्रयास करता हूं। तो सापेक्ष जो है वो क्या है, अनिश्चित है, ये चीज दिखाई देती है, जबकि यहाँ क्या है, निरपेक्ष है। ये जो श्रेष्ठता के लिए प्रयास है ये निरपेक्ष है, निश्चित है तृप्ति बिंदु, जबकि प्रतिस्पर्धा के लिए जब हम करते हैं तो ये सापेक्ष है, दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो वो अनिश्चित तृप्ति बिंदु एक बना हुआ है। ये बात ध्यान में आती है। तो इससे रिलेटेड अगर प्रश्न है, जी रिजवाना जी कुछ बात रखना चाह रही है। जी रिजवाना खान जी हैं। नमस्ते सर। जी नमस्ते। जी सर, मेरा प्रश्न श्रेष्ठता को लेकर ही है। अभी आप श्रद्धा दुबे जी को बता रहे थे कि फर्स्ट एक ही हो सकता है बच्चे, लेकिन श्रेष्ठ सभी हो सकते हैं। मैंने आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और मैंने जांचने के लिए अपनी कल्पनाशीलता में अपने आप को अपने क्लास में पाया और वहां मैंने देखा कि रिजल्ट आया हुआ है और मैं रिजल्ट ऑर्गेनाइज कर रही हूँ बच्चों के बीच में। पर जब लास्ट में जाके मैंने बताया कि ये फर्स्ट है लेकिन आप सब श्रेष्ठ हो, तो मैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बच्चों को समझा नहीं पा रही हूँ सर। ठीक बात है, हम किसी को ऐसा बता दें कि भाई ये फर्स्ट आए, अभी साल भर तो हम बच्चे से ये कहते रहे कि फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, सभी को फर्स्ट आना है, और अब हम बच्चों को ये कह रहे हैं कि भाई ये फर्स्ट तो एक ही है बाकी सब श्रेष्ठ हैं, तो बच्चे को ये तो समझ में नहीं आएगा कि भाई साल भर ये कह रहे थे फर्स्ट आना, आज कह रहे हैं कि श्रेष्ठ हो गए, और वो बच्चा परेशान जो फर्स्ट आया था कि मैं श्रेष्ठ हूँ कि नहीं हूँ। यस सर। तो अभी क्या है ना, हम जब भी बच्चों से चर्चा करें, हम उनसे जब बातचीत करें कि भाई क्या चाहते हैं, कि वो श्रेष्ठता ठीक लगता है या जो फर्स्ट आ रहे हैं वो ठीक है, और जब भी कोई बच्चा फर्स्ट आ गया है तो ये भी कह देते कि एक बार तो कोई भी आ जाए, दूसरी बार आके दिखाओ तो जाने, अब वो बच्चा फिर परेशान हो गया। यस सर। क्या किया जाए। तो इस तरह से ये दिखता है कि अगर हमको ये बात पहले तो खुद में समझ हो जाए, खुद में क्लैरिटी हो जाए, जब हम में ये क्लैरिटी हो जाएगी तो हम दूसरे के साथ भी शेयर कर पाएंगे। यस सर। अभी हमने जैसे सुना और हम सोचे कि सीधे जाके बच्चों को बता दें, तो बच्चों को बता देने से सब ठीक हो जाएगा, बच्चों में एक बार में सब जानकारी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। मैं भी समय ले रहा हूँ, बच्चे भी कुछ समय लेंगे कि उन तक बात को पहुंचे। यस सर। ठीक है दीदी। ये जी 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 सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। जी धन्यवाद। ठीक है, अंशुमान शर्मा जी हैं हमारे साथ। नमस्ते अंशुमान जी।
संतोष सरैया जी हैं। जी सर नमस्कार। जी नमस्ते। सर इतने मानवीय मूल्यों पर आधारित ये सब चर्चाएं हो रही हैं तो काफी अच्छा लग रहा है और बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है सर कि जब भी श्रेष्ठ होने की बात होती है तो ऐसा तो लगता है कि हम श्रेष्ठ रहें, लेकिन हमारे मन में भाव थोड़ा आना चाहिए सर कि दूसरा भी दूसरे को श्रेष्ठ होने में हम उसको सहायक भी सहायता भी करें। और कभी कभी अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम फर्स्ट आने का सोचेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दूसरों की लकीर को मिटाने की कोशिश भी करेंगे। यदि हम फर्स्ट आने का भाव रखेंगे तो श्रेष्ठता का भाव रखेंगे तो मैं चाहूंगा कि मेरी लकीर तो बड़ी है लेकिन साथ में सामने वाले की लकीर भी बड़ी हो जाए तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो मुझे लगता है कि समरसता का भाव एक सहज स्वीकार हमें होना चाहिए और यदि इस प्रकार का भाव पैदा हम में हो जाए तो और इसका हम संदेश अपने बच्चों में या फिर साथियों में या फिर दोस्तों में या परिवार में दे सके तो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा होता नहीं है सर, व्यवहारिक जीवन में ऐसा नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता इसके बारे में मैं जानना चाह रहा था। मुझे लगता है कि अभी हमारा जो जीवन है वो जिसको हम व्यवहारिक कह रहे हैं तो जो हमारा व्यवहार है वो अभी व्यवहार सहज स्वीकृति के आधार पर चल नहीं रहा है। अच्छा। हमारा जो व्यवहार है वो बहुत सारी मान्यताओं और संवेदनाओं पर आधारित हो गया है जिसके कारण ये गलती हो रही है ऐसा ध्यान में आता है। लेकिन अगर वो सहज स्वीकृति के आधार पर चलेगा तो जैसे हमको सहज स्वीकार है, अगर ये बातें सहज स्वीकार है तो वो फिर हमारे व्यवहारिक जीवन में भी आ जाएगा। जी। लेकिन अभी हमने किसी मान्यताओं को जांच परख किया नहीं, जांच परख किए बिना उसको मान लिया, किसी संवेदना हमको ठीक लगी उसको हमने सीधे सीधे मान लिया, हमको लगा कि भाई यहाँ से ठीक हो जाएगा सब। तो इसलिए हमारा जो काफी सारी जो कल्पनाशीलता का पोर्शन है बार बार घूम फिर के बाद जो है वो कल्पनाशीलता पर इसीलिए आती है क्योंकि शुरुआत तो कल्पनाशीलता से ही कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जो है उसका बहुत सारा पोर्शन जो है अभी वो मान्यता और संवेदना पर आधारित है। अगर वो सहज स्वीकृति पर हो जाएगा तो ये भी बात हमको सहज स्वीकार ये है और व्यवहारिक जीवन में भी वही चलेगा, ये बात ध्यान में आती है। जी पर ये तो ठीक है सर, लेकिन हम लोग थोड़ा श्रेष्ठ होने के साथ साथ फर्स्ट होने की चाहत तो हम रखते ही हैं और हम में से प्रत्येक जो है चाहते हैं कि हम फर्स्ट आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे अलावा सामने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये कैसे हो सकता है। यदि दोनों तरफों से या फिर वन साइड और सेकंड साइड सब जगह से अगर यही बात आए तो ये अच्छा है, अदरवाइज अगर कोई भी सुधार करने की बात या अच्छा होने का भाव या श्रेष्ठ होने का भाव यदि हम ही रखें और सामने वाले से ना हो तो भी तो ये थोड़ी मुश्किल बात हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है सर। थोड़ा बताइए, आप आगे बढ़ाइए बात। अभी क्या है ना, अभी हमने एक ये भी मान्यता है कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, ये भी मान्यता हमारे है। बिल्कुल, हमने बिल्कुल। कहा भाई हम केवल समझदार लोगों के साथ समझदारी से पेश आएंगे, जो ना समझ लोग हैं उनके साथ ना समझी से पेश आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा सब हम मान के बैठे हैं। अब क्या जब आप ना समझी करते हैं या गैर जिम्मेदारी पूर्वक जीते हैं तो ऐसा सहज स्वीकार है? जी। क्या या मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये ना समझी है या जो जी गैर जिम्मेदारी है ये सहज स्वीकार होती है क्या? नहीं, गैर जिम्मेदारी तो सहज स्वीकार नहीं होती सर। अब गैर जिम्मेदारी सहज स्वीकार नहीं है पर एक ये भी मान्यता हमने मान ली है कि जैसे को तैसा, तो हमको ये लगता है कि भाई वो आदमी गैर जिम्मेदार है, हम उसके साथ हम भी गैर जिम्मेदारी से जिएंगे। नहीं, गैर जिम्मेदारी से नहीं जिएंगे सर, वहाँ हम न्यूट्रल हो जाएंगे। गैर जिम्मेदारी नहीं करेंगे लेकिन हम न्यूट्रल हो जाएंगे, जो हम पॉजिटिव ड्यूटी रख रहे हैं वो नहीं रखेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे हम। अभी आप देखिए जिसको हम पॉजिटिव और न्यूट्रल और इस तरह के बात कह रहे हैं, जैसे को तैसा जो कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सामने वाले ने कहा चिल्लाया, हमने भी और जोर के चिल्ला के गुस्सा किया जी,
अगर थोड़ी देर हम ध्यान आकर्षण करने के आधार पर कर रहे हैं कि भाई सामने वाला सुन नहीं पा रहा है वो सुन ले, तब तो ठीक है, लेकिन उस टाइम पर हमारा उसके प्रति भाव क्या है, हमारा उसके प्रति फीलिंग क्या है जी, वो संबंध का भाव है या विरोध का भाव है, और क्या मुझे सहज स्वीकार है जी। वे दिखता है कि भाई मुझे सहज स्वीकार तो संबंध का भाव है, पर ऐसे टाइम पर मैं विरोध का भाव चला रहा हूँ। क्यों विरोध का भाव चला रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये दिखता है कि भाई मान्यता है कुछ कि मुझे भी गुस्सा करना जरूरी है जी। तो गुस्सा, गुस्सा तो देखिए सर जी, गुस्सा होना तो एक हमारे मनुष्य का एक मूल स्वभाव है, गुस्सा तो हम सभी होते हैं कहीं ना कहीं। ठीक ठीक, तो क्या जब गुस्सा होते हैं तो आप आराम में रहते हैं? नहीं, गुस्से में आराम में नहीं रहते लेकिन कभी कभी स्वभाव कैसे कह रहे हैं, कभी 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 शांति के लिए भी अशांत होना पड़ता है, मतलब शांत होने के लिए भी तेज आवाज करना पड़ता है, क्योंकि हम शांति का बात आ जाए। हमने क्या है इस तरह की बहुत सारी मान्यताओं को मान लिया है, और इतनी गहरी मान्यताएं हैं कि हम उसको कई बार देख पाते हैं, कई बार देख भी नहीं पाते हैं जी। अभी हमने कह दिया कि भाई गुस्सा होना तो मानव का स्वभाव है, ये तो होगा ही। अभी अगर स्वभाव है तो स्वभाव तो वो है जो स्वयं का भाव हो जी। क्या हम स्वयं के भाव में निरंतर बने रहना चाहते हैं? तो गुस्से के भाव में निरंतर बना रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, इसको भी देख लें। नहीं, ये बात ठीक है सर, लेकिन आप ही बताइए, हमारे पास तो सारे हथियार हैं सर, गुस्सा भी है, शांति भी है, चलना ना भी है, सुनना भी है, समझना भी, सारे जितने भी गुण अवगुण जो हैं, सारे गुण अवगुण ईश्वर ने हमारे पास दे रखे हैं, हमें यूज कौन सा करना है और कब करना है ये हम ही पे डिपेंड करेगा, तो हम अपने स्वभाव के अनुसार उनको उपयोग करते हैं। लेकिन अगर हम कहेंगे गुस्सा हमारे मन में नहीं है या गुस्सा हमारे स्वभाव नहीं है, तो हम ऐसा करके ना ऐसा भी कर रहे हैं, उपयोग कहाँ करना है ये अलग बात हुई, लेकिन मुझे तो संतोष भी है। जैसे अभी साथ दिया है, हम लोग ये वर्कशॉप चला रहे हैं, आप और हम बात कर रहे हैं जी, है ना जी। चार दिन होने को है, आज चार दिन हो जाएगा जी। तो इस जी। पूरी प्रक्रिया में जब हम आप बातचीत कर रहे हैं जी, स्नेह के भाव के साथ, संबंध के साथ कर रहे हैं, है ना जी, तो ये बताइए क्या इस स्नेह के संबंध के भाव को बनाए रखने के लिए सर द्वेष या विरोध की आवश्यकता है? नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, है ना। तो जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ना, बिना क्रोध के हम आराम से बात कर रहे हैं जी, तो अभी हम सहज अभी हैं या क्रोध करेंगे तब सहज होंगे? नहीं सर, सहज तो अभी है तो उसी की बात क्या कह रहे हैं, सहज है ना वही स्वभाव है। जो भाव है ना वही हमारा स्वभाव है, जो भावों का अभाव होता है ना जी, अविश्वास का मतलब है विश्वास का अभाव जी जी, द्वेष का मतलब है कि स्नेह का अभाव हो गया जी जी। तो हम तो भैया भावों की बात कर रहे हैं जी। मैं समझता हूँ इतनी शालीन चर्चा और इतनी अच्छी से चर्चा, चाहे आप हो या भानु भैया हो या आपस में जितने लोग बीच बीच में भाग लेते हैं, कुछ मैडम ही बीच में बोल रही थी, ये दिल को छू लेने बातें हैं, दिल को छू लेने जैसी बातें होती हैं सर। ये हम सबके ये हम सबके दैनिक जीवन में हम सफर कर रहे हैं सर, तो वो अपने अनुभव को शेयर करके हम बहुत बहुत अच्छा मैच्योर हो रहे हैं, थोड़ा हम सीख भी रहे हैं और बहुत सारी कमियों को हम गौर भी कर पा रहे हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। शांत रहना ना और सहज रहना ये हमारा प्रभाव है जी सर। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर। थैंक यू दिल साहब भैया, आगे बढ़ाए बात जी। मैं एक बात रख रहा चाह रहा था, नमस्कार, विजय कुमार बोल रहा था, कि अभी जो रिजवाना जी ने बात कही थी उससे थोड़ा सा आसपास ही है ये भी बात, कि हम श्रेष्ठता और प्रतियोगिता के देख रहे हैं, तो वहां अपन देख रहे हैं कि सीमित अवसर होने पर और अवसर की समानता ना होने पर, तो ये स्थितियों में अपन केवल श्रेष्ठता और प्रतियोगिता को कैसे न्यायपूर्ण देख पाएंगे ऐसे? जी जी, अभी जो बात राघवेंद्र भैया ने भी रखी थी कि जो श्रेष्ठता है तो वो तो मेरी समझ हो जाए, उसके लिए दिखता है कि कोई भी प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात दिखती है कि भाई कहीं पर कोई विशेषज्ञता हो जाए, कि भाई कोई व्यक्ति जो है वो स्पोर्ट्स में नंबर वन हो जाए, वो किसी पढ़ाई में मैथ्स के कंपटीशन में वो नंबर वन हो जाए, तो वहां ये दिखता है कि भाई वहां बहुत सारी प्रतियोगिता जैसा दिखाई देता है।
अभी क्या हम इस श्रेष्ठता और प्रतिस्पर्धा को अलग अलग देख पा रहे हैं या हमने दोनों को ही मिला दिया है? और हम कह तो रहे हैं श्रेष्ठता के लिए प्रयास, और उसमें हम बहुत सारा कंपटीशन करने लगे। तो हम यहाँ पर श्रेष्ठता को देख लें कि श्रेष्ठता उसको कह रहे हैं कि भाई मुझे चारों स्तर पर जहां जहां मैं जी रहा हूँ उसकी मुझे समझ हो जाए, और उसकी में क्या व्यवस्था है उसकी समझ हो जाए, और उसके आधार पर जी पाऊं। लेकिन प्रथम आना और ग्रेडिंग आना, ये जो जो सिस्टम चल रहा है कि इसको भी एक्सेप्ट करें अपन कंटिन्यूटी में, ये भी परस्पर चलता रहेगा सोच अभी में। हाँ, अभी देखिए भाई, हमको लगता है कि भाई कुछ सिस्टम होना चाहिए तो ऐसा बना दिया, पर अगर हमको ये दिख गया कि भाई समझ ही जरूरी है, तो फिर वहां पर ये भी देखा जाएगा कि भाई हर मानव समझदार जिम्मेदार हो जाए तो वहां बहुत सारा इस सिस्टम की जरूरत नहीं रही हो नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी तो ऐसा दिख रहा है कि भाई ये सिस्टम बन गया है, तो सिस्टम में बने हुए रहते हुए हम इस चीज को रखते हैं। अभी जैसे इस सब्जेक्ट का ये जो है, ये जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है, तो AKTO यूनिवर्सिटी में इसका पूरा पेपर भी चलता है। अब उसमें बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि अच्छा ह्यूमन वैल्यू में क्या जरूरत है भाई कि इसमें भी पढ़ा जाए, इसमें तो पास नहीं होना चाहिए, इसमें तो आप खुद ही प्रतियोगिता करा रहे हैं, कोई बच्चे का 100 नंबर आ रहा है, कोई 99 नंबर आ रहा है। लेकिन अभी तो ये बात दिख रही है कि भाई लोगों तक बात को पहुंचाना है। तो भाई शुरुआत में तो इसको जो है वो ऐसा था कि केवल सब्जेक्ट को पढ़ लेना ठीक है, फिर ये हुआ कि भाई इसमें पास हो जाना ठीक है, तो ये देखा गया कि भाई लोग उसमें पढ़ ही नहीं रहे हैं, फिर ये हुआ कि भाई इसमें नंबर भी जुड़ेगा उसका यूनिवर्सिटी में, तो बच्चे थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ रहे हैं। तो ये तो बात दिखती है कि भाई व्यवस्था को देखते हुए अभी क्या सिस्टम चल रहा है उसको देखते हुए कुछ चीजें कर लें। लेकिन जो श्रेष्ठता की बात कर रहे हैं, वहां पर किसी प्रतिस्पर्धा की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां किसी प्रतियोगिता की जरूरत नहीं पड़ती है। हर एक मानव जो है वो श्रेष्ठ हो सकता है, सभी को जो है वो मतलब सुविधाएं या सारी चीजें जो है वो अवेलेबल है, और स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक की जो समझ हो जाए, इसी को कह रहे हैं श्रेष्ठता। जी भैया धन्यवाद, थैंक यू जी। तो इतनी बात हुई है श्रेष्ठता और प्रतिस्पर्धा को लेकर। हम लोग थोड़ा सा और चर्चा को आगे बढ़ा के जो आगे भाव हैं एक दो उनको देख लेते हैं। अभी जो श्रेष्ठता के लिए किया गया प्रयास है उसी को कह रहे हैं पूजा। सुबह दीदी प्रश्न भी कर रही थी, तो जो श्रेष्ठता के लिए हम प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास को हम कह रहे हैं पूजा। अब आप ये देख लें कि भाई आपको ये ठीक लगता है पूजा, या पूजा अन्यथा कुछ है, या पूजा हमारी मान्यताओं के आधार पर कुछ हो रहा है उसको कहा जा रहा है, जो भी हम कि भाई मैं इस चारों जो स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक की समझ मुझ में हो जाए उसके लिए जो मैं प्रयास कर रहा हूं उस प्रयास को कहा पूजा। ये बात कही। अब जो श्रेष्ठता की जब हमको ये कुछ क्लियरिटी हो पाती है, तो जिन्होंने भी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया उनके प्रति जो भाव है उसको कह रहे हैं गौरव का भाव। जिन्होंने भी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया उनके प्रति मेरे में जो भाव बनता है उसको कह रहे हैं कि गौरव का भाव या ग्लोरी। और जिन्होंने जी विनीता जी सर मैं कुछ अपनी बात रखना चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ मैं बीच में बात को काट रही हूँ, लेकिन चूंकि श्रेष्ठता से संबंधित बात चल रही है तो मेरे इसमें कुछ विचार उत्पन्न हुए हैं जिसको मैं शांत करना चाहती हूँ। श्रेष्ठता के लिए जैसा कि आपने बताया, श्रेष्ठता का संबंध यह है कि हम अपनी उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें, आगे बढ़े। अपने प्रयास करने के बावजूद भी अगर सामने वाला जो भी आपके सामने संबंधी है या जो भी है वो हम उसे मदद भी करें, हम उसके साथ भी चलें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो हम उस चीज को नहीं पा पाते हैं या वो श्रेष्ठता को नहीं पा पाता है जिसको हम उसको सहयोग करके आगे बढ़ाना चाहते हैं,
तो ऐसी स्थिति में और उसकी तरफ से नकारात्मक भाव के लगातार आने के कारण जब हमें अपनी ही श्रेष्ठता पर शक होने लगे तो क्या करना चाहिए सर? जी, अगर ये बात ध्यान में आ गई कि भाई हमको भी श्रेष्ठ बनना है और दूसरे व्यक्ति को भी श्रेष्ठ बनाना है, तो वहां पर परस्पर पूरकता का भाव ध्यान में आता है, एक दूसरे के प्रति कॉम्प्लीमेंटेरिटीनेस का भाव ध्यान में आता है कि भाई आप बात पूरी कर लें फिर मैं रखता हूँ बात को। जी, आप और भी कुछ जोड़ना चाह रही हैं? नहीं सर, मैं यही बोलना चाह रही थी कि हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंटरी का पूरा भाव है, हम उसे पूरा अपना साथ लेके चलना चाहते हैं, हमारी जो स्किल है हम उससे उसको अवेयर कर देते हैं कि भाई ये अगर ऐसा करोगे तो इससे तुम्हें श्रेष्ठता आ सकती है, लेकिन अगर सामने वाला शायद उसको प्रतिस्पर्धा के रूप में ले रहा है और उस स्थिति में हमेशा उसमें ये थोड़ी ईर्ष्या का भाव है क्योंकि ये स्पष्ट रूप से कई बार दिखाई भी देता है, तो उस स्थिति में और चूंकि वह व्यक्ति आपका निकटस्थ है तो ऐसी स्थिति में आपको लगातार उससे उसी परिस्थिति का सामना करना होता है, तब उस परिस्थिति से कैसे निकला जाए? जी, अभी जो हमने बात की ना कि भाई सामने वाले को हम स्किल सिखा दें और श्रेष्ठ बना दें, जी, तो ये स्किल सिखा कर हम श्रेष्ठ बना देंगे ऐसा नहीं है, स्किल सिखा के हम उसको विशेष तो बनने में सहयोग कर सकते हैं। जी जी जी। पर श्रेष्ठता के लिए स्किल की जरूरत नहीं है, श्रेष्ठता के लिए समझ की जरूरत है, मेरा जहाँ भी जीना है मैं उसमें समझदार जिम्मेदार हो जाऊं, ये ज्यादा जरूरी ध्यान में देता है। जी जी। तो इसलिए मैं सामने वाले व्यक्ति को श्रेष्ठ बनने में सहयोग कर सकता हूँ और सामने वाले व्यक्ति का जिस भी तरह का संस्कार है वो कम ज्यादा समय ले ही सकता है, तो कम ज्यादा समय लेते हुए वो उस बात तक पहुंचाएगा। अभी हमको लगता है कि मैंने सामने वाले व्यक्ति को बात बता दी है, ये क्यों नहीं समझ रहा है, जी ये मुझे लगने लगता है। सामने अभी जैसे यहाँ पर बात हो रही है तो बहुत सारी बातें पहले दिन में ध्यान गई, बहुत सारे लोगों को सहज स्वीकृति का पहले दिन में ध्यान गया होगा, बहुत सारे लोगों को दूसरे दिन में गया होगा, बहुत सारे लोगों को तीसरे दिन में गया होगा, बहुत सारे लोगों को आज भी गया होगा। तो ये जो जो लोगों को आज गया है, हो सकता है पहले दिन जब सहज स्वीकृति के बारे में बात हो रही हो तो कल्पनाशीलता कहीं और हो, नहीं ध्यान दे पाए हो। जी। तो इसी तरह जब आप उस व्यक्ति से कुछ बता रहे हैं, हो सकता है उसका कहीं कल्पनाशीलता में कहीं और ध्यान हो। हम कई बार तो कह तो रहे कमरे में हम अकेले ही थे, उसने मेरी तरफ वो देख भी रहा था, जब भी हम अकेले हैं किसी की तरफ देख भी रहे हैं तो जरूरी भी है उसका ध्यान वही है हमारा, और जब हम चीजों को सुन भी रहे हैं तो जरूरी है कि वो चीजें हमारे में क्लैरिटी से आ जाए, हमको समझ में भी आ जाए, हमारा जीना वैसा हो जाए। तो दिखता है ऐसा कई बार हो भी पाता है, कई बार नहीं भी होता, हमेशा ऐसे पॉसिबल नहीं है। जी बिल्कुल। जी, तो इसका मतलब तो ये हुआ सर कि इन परिस्थितियों से निकलने के लिए हमें लंबे समय तक प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। जल्दी भी किसको है, मुझे लगता है कि जल्दी क्या है, थोड़ा समय दे। हमको लगता है कि बस हमने 5 दिन की वर्कशॉप कर ली है और सामने वाले कोई 5 दिन की वर्कशॉप करा दे वो भी ठीक हो जाए। थोड़ा समय हमको भी लग रहा है बहुत सारी गड़बड़ियों से निकलने में, सामने वाले को भी समय दें, सामने वाले को भी मौका दें। जी सर, थैंक यू सर। लेकिन इसमें एक ही विवशता है कहे सर, या एक ही मन में थोड़ी सी बेचैनी रहती है कि उस दौरान जो ये प्रक्रिया चल रही है उस दौरान हमारे अंदर जो उद्विग्नता पैदा होती है उससे कैसे निपटा जाए। अब जो वो पैदा हो रही है ना उसका कारण थोड़ा सा अपने में जांच परख करके देखिए। कारण ये है कि वो सीख नहीं पा रहा है, या कारण हमने ये मान लिया है कि वो सीखना नहीं चाहता है। जी, इसको थोड़ा सा अपने में जांच परख करके देखिए क्या जब भी आपको ऐसा सामने वाले व्यक्ति के साथ आप कुछ बातों को शेयर कर रही हैं और सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है, नहीं देख पा रहा है, तो आप में क्या चल रहा है? ठीक है, सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है या समझना नहीं चाहता है। आप देखेंगे कि जब भी वो बहुत आपको अंतर विरोध चलने लगता है ना, तो आपको ये बात ध्यान में आती है कि मैं तो 10 बार समझाई समझने ही नहीं चाह रहा है।
जी हमको कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के इंटेंशन पर डाउट हो जाता है जी। लेकिन अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि नहीं सामने वाला व्यक्ति जो है समझ नहीं पा रहा है, कुछ जो है वो परेशान है या ध्यान नहीं दे पाया, या कई बार ये भी लगता है कि भाई मैं इस बात को, कई बार जब लोग प्रश्न पूछते हैं तो मुझे भी ये लगता है कि भाई मैं इस प्रश्न को ठीक ठीक तरह से उत्तर रख नहीं पाया जी। लेकिन अगर इसमें मैं ही कह रहा हूँ कि मैं तो 10 बार बता रहा हूँ, सामने वाला समझना नहीं चाह रहा है, तो मेरा बीपी हाई हो जाएगा, फिर मैं अपने में परेशान बहुत सारा होने लगूंगा जी। तो इसको थोड़ा सा देख के, मतलब जब भी सामने वाले व्यक्ति के साथ इंटरेक्शन हो तो देखें कि किस तरह का भाव आप में आ रहा है जी। सर ठीक है सर, थैंक यू। मुझे एक दिशा निर्देश तो मिला कि कम से कम मैं किस डायरेक्शन में अपने आप को, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं हर चीज में बहुत जल्दी करती हूँ और उसके लिए मुझे थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना चाहिए जी। देख लीजिए कि वो चेंज करना ठीक है कि ठीक नहीं है, वो भी देख लीजिए, हमारी तरफ से भी सारी बातें प्रस्ताव ही हैं, इसको भी मान लेना। जैसे कल भानु भैया कह रहे थे ना, ये भी एक अहंकार हो जाता है कि हमने तो ह्यूमन वैल्यू की वर्कशॉप कर ली है, हम तो अब समझदार हो गए हैं, हमको तो सर्टिफिकेट भी मिल गया है जी, ये सही है, हो ही जाता है जी। बिल्कुल सर, थैंक यू जी जी, धन्यवाद जी। बालवीर जी बताइए जी, जो हमारी कुछ श्रेष्ठ मैडम कह रही थी कि जलवायु, कुछ ऐसा ही ऑब्जर्वेशन है मेरे साथ। मेरी पत्नी जैसे मकान के बाहर जैसे वो गोबर से लिपने वाला कार्यक्रम करते हैं कभी कभी, जैसे करते हैं थोड़ा सा गाय का गोबर लेते हैं और कुछ वो लिप देते हैं, तो पहले ऐसे नहीं करते थे लेकिन अभी कुछ दिनों से लगातार कर रही है सुबह उठ करके। तो कल मैंने ऐसे ही कह दिया कि ये आप जो लिखती हैं इससे आपको खुशी होती है, बिल्कुल होती है, और एक आध दिन नहीं लिख पाए तो क्या होता है, तो ऐसे लगता है कि शायद हमें ऐसा करना चाहिए थोड़ा सा, कि हमारी मानता है हिंदू धर्म इस तरह की गाय के गोबर से लिखने से कुछ अच्छा होता है। लेकिन मैंने कहा कि इससे आप लगातार सुखी रह पाती हैं कैसे करने से, तो ये बात तो थोड़ा सा नहीं की, लेकिन वो मेरे ऊपर ब्लेम करने लगी कि तुम ये मानता हमारे हिंदू धर्म है, तुम इसके एकदम ब्लेम कैसे कर सकते हो कि ऐसा करने से ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो बहुत सारी जब बातें होने लगी तो फिर मैंने अपने अंदर अपने आप में ऑब्जर्वेशन किया कि शायद मैं इस चीज को अभी जल्दबाजी कर रहा हूँ कि ये तुरंत समझ जाए इस बात के लिए, तो फिर मैंने उस चीज को वहीं स्टॉप किया और थोड़े दूसरे डायरेक्शन में बात होने लगी, तब वो शांत हुई। तो अभी जो दीदी बात कर रही थी तो उससे मुझे खुद में क्लैरिटी हुई कि अभी शायद हमें अपने पे ही बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, हम ये ना सोचे कि हम 1 महीना में 2 महीना में 4 महीना खुद में ऑब्जर्वेशन खुद में जीने का प्रयास करेंगे तो शायद हम दूसरे के साथ भी फिर हम उस तरह का अपना तालमेल बैठा पाएंगे, ऐसा मुझे महसूस हुआ, मेरा ऑब्जर्वेशन है जी भैया जी। जी ठीक बात है। अभी क्या होता है वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद ना हमको बहुत सारे वर्ड मिल जाते हैं, किससे है स्वीकृति भी मिल गया, श्रेष्ठता भी मिल गया, और अस्तित्व मिल गया, सह अस्तित्व मिल गया, मैं शरीर, इतना सब मिल गया। अब हम सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को हम शब्दों से हरा दें, हम कैसे शब्दों से हरा दें सामने वाले व्यक्ति को। जैसा भानु भैया भी कल कह रहे थे कि परिवार में हार और जीत नहीं है, परिवार में तो अगर हार है तो दोनों की हार है और जीत है तो दोनों की जीत है, लेकिन अभी हमको क्या है कि पति पत्नी संबंध को समझे नहीं हम लोग को लगता है कि कैसे मैं शब्दों में ऐसा कुछ बोल दूं कि सामने वाला चुप हो जाए, और सामने वाला चुप हो गया उसको अपनी जीत मान लेते हैं हम, लेकिन वो भी चुप नहीं होता है, वो भी अपने मन में चलाता रहता है, पलट के फिर भारी वार भी करता है, इस तरह का भी सब दिख रहा है। तो हम लोग अपने ऊपर काम करने की जरूरत है ऐसा दिखाई देता है, और सामने वाले का सहयोग करने की जरूरत है जी। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल जी आगे बढ़ा लेते हैं, समय भी क्योंकि कम है, ब्रेक लंच भी करना है, सत्र को बढ़ा लीजिए फिर चर्चा हम लोग करते ही रहेंगे जी। ठीक है, तो दिखता है कि भाई श्रेष्ठता के लिए प्रयास और प्रतिस्पर्धा के लिए प्रयास, ये दोनों जो बात हुई तो ये बात ध्यान में आई कि श्रेष्ठता के लिए जो प्रयास होता है ये मुझे सहज स्वीकार होता है, पर जो प्रतिस्पर्धा है मैं इसमें अपने आप को एक फसावट में महसूस करता हूँ, एक
लगता है कि कहीं फंस गया हूँ, अपने आप को एक बंधा हुआ महसूस करता हूँ, ऐसा सब अपने में ध्यान में आता है। गौरव की बात हुई जब, तो ये बात ध्यान में आई कि जब जिन्होंने भी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया उनके प्रति जो भाव है उसको कह रहे हैं गौरव, और जिन्होंने मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया उनके प्रति जो भाव है उसको कह रहे हैं कृतज्ञता। जिन्होंने गौरव के लिए प्रयास किया उन्होंने हो सकता है कि भाई मेरे लिए प्रयास ना किया हो, अपने लिए किया हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है, पर कृतज्ञता उनको कह रहे हैं जिन्होंने मेरी श्रेष्ठ जिन्होंने मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया उनके प्रति जो भाव है उसके लिए हम कह रहे हैं कृतज्ञता। यहाँ पर जिन्होंने मेरी श्रेष्ठता होगा वो मेरी नहीं लिखा हुआ है, जिन्होंने मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया उनके प्रति जो भाव है उसको कह रहे हैं, इंग्लिश में वैसा है फीलिंग फॉर दोस्त हु हैव मेड एफर्ट फॉर माय एक्सीलेंस, मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया। अभी जब इसको देखने जाए कितने लोगों ने मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया तो ये बात ध्यान में आती है कि भाई आप 150-200 लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आप सभी लोग जो है मैं उन प्रश्नों का कुछ प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ आपके सामने बात रख पाऊँ, तो अपने में बहुत सारा जो है वो ध्यान जा पा रहा है, तो मैं अपने में भी कुछ ध्यान दे पा रहा हूँ, तो ये बात दिखती है कि भाई आप लोगों के प्रति कृतज्ञता का भाव। इसके अलावा अपने माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता के सब जितने भी लोग हैं पूरी परंपरा के प्रति एक कृतज्ञता का भाव दिखाई देता है। फिर मैं भोजन कर रहा हूँ तो भाई किसी ने गेहूं उगाया होगा, किसी ने उसको बोरे में भरा होगा, किसी ने उसको ट्रक से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया होगा, किसी ने दुकान पे लाया होगा, दुकान से मेरे तक आया होगा। इसके अलावा ये लैपटॉप किसी ने बनाया होगा, ये सॉफ्टवेयर जूम किसी ने बनाया होगा जिसमें हम ये सब चर्चा कर पा रहे हैं, ये घड़ी कॉपी किताब ये सब किसी ने बनाया होगा, इन सबको लिख रहा हूँ मैं, तो ये दिखता है कि ऐसे में मैं हर एक व्यक्ति के प्रति जो है वो कृतज्ञता का भाव दिखाई देता है। मैं दूसरे के व्यवहार में ममता स्नेह विश्वास के भाव को देख पाता हूँ, अगर मुझे ये कृतज्ञता की क्लैरिटी हो पाती है, मैं ये भी देख पाता हूँ कि दूसरा मेरी सही समझ और सही भाव में सहयोगी है, मेरी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने में मेरा सहयोगी है, और संबंधों के निर्वाह में कृतज्ञता एक बहुत महत्वपूर्ण भाव है। जिस भी व्यक्ति के प्रति हमको कृतज्ञता दिख जाती है हम उसके व्यक्ति के प्रति कभी भी चीखना चिल्लाना गुस्सा करना विरोध का भाव ऐसा नहीं दिखता है। अगर हमको किसी भी व्यक्ति का ये दिख जाता है ये व्यक्ति मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति के लिए कभी भी नहीं दिखता है कि हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा चीखना चिल्लाना और ये सब होगा। लेकिन अगर ये कृतज्ञता का भाव नहीं दिखता है तो हमारा बहुत सारा चीखना चिल्लाना गुस्सा करना ऐसा सब भी जो है वो बना रहता है। अभी जब इस अपने में ध्यान देने जो योग्य बातें हैं जो शुरुआत में भी हो रही थी तो जांचे कि क्या आप उन लोगों के प्रति कृतज्ञता का भाव है जिन्होंने आपके जीवन के लिए कुछ प्रयास किया है। अभी हम ये कह तो देते हैं कि उन्होंने मेरे लिए किया ही किया, अभी देखिए कौन ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने कुछ भी ना किया हो। क्या आप दोनों की प्रशंसा कर पाते हैं, जो आपके लिए किया गया है या जो आपके लिए किया नहीं किया जा सका, या फिर हमारा फोकस ज्यादातर इसमें रहता है जो आपके लिए नहीं किया जा सकता, इसी पर हमारा ज्यादा ध्यान रहता है। क्या हम दूसरे के प्रति कृतज्ञता का भाव निरंतर बना रहता है या फिर कृतज्ञता का भाव कभी होता है और कभी नहीं होता है कि भाई सामने वाले ने कुछ अच्छा कर दिया तो उसके लिए हमने बोल दिया कि भाई हाँ आपके प्रति बहुत कृतज्ञ है, कभी गड़बड़ कर दिया हटा यार ये तो बहुत बेकार आदमी है, इस तरह का आ जाता है। क्या आपका प्रयास स्वयं में सही समझ और सही भाव को सुनिश्चित करने और परस्परता में व्यक्त करने के अर्थ में है या हमारा पूरा प्रयास दूसरों से भाव पाने के अर्थ में है कि मुझे दूसरा सम्मान दे दे, दूसरा मेरी वाहवाही कर दे, क्या काम किया आपने वाह भाई। अब मुझे ये लगे कि भाई आज के सेशन के बाद लोग बोल दें वाह भाई क्या सेशन ले लिया आपने, ऐसा तो कोई ले ही नहीं सका भाई वाह। तो ये क्या है, ये दूसरे से भाव पाकर सुखी होने का कार्यक्रम मैं बना रहा हूँ या
खुद में ये पूरी बात को रखने में मेरे में ये है कि भाई सही समझ आ जाए, सही भाव सुनिश्चित हो जाए, मैं भी श्रेष्ठता को देख पाऊं, उसके आधार पर जी पाऊं, उसको समझ पाऊं, उसके लिए प्रयास कर पाऊं। तो अभी हमारा कार्यक्रम इन लाल के लिए है या काले के लिए है, इसको भी हम अपने में देख लें। एक प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, अभी तक प्रशांत भदौरिया जी से बात नहीं हो पाई है। जी प्रशांत जी, कृतज्ञता से रिलेटेड अगर आप बात रखना चाहें तो रख सकते हैं यहाँ पर। प्रशांत भदौरिया जी। जी भैया नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। जैसे अपन किसी के लिए मान के चलो अपन ने ईश्वर से कुछ मांगते हैं, मांगने के बाद वो चीज मिल जाए तो क्या कृतज्ञता वहाँ पर अपन ईश्वर के लिए कृतज्ञता ही प्रकट करेंगे या और कुछ करेंगे? भैया हम जो अभी परिवार की ही बात कर रहे हैं तो अभी तो परिवार की ही चर्चा पे रहे, मानव पर ही रहे, थोड़ा हम जब अस्तित्व की बात करेंगे तो वहां पर ईश्वर पर भी चर्चा करेंगे, अभी तो हम थोड़ा परिवार पर ही चर्चा को रखें। कल जब पहले सत्र में हम लोग प्रकृति और अस्तित्व पर चर्चा करेंगे तो वहाँ उस पर भी चर्चा करेंगे। थैंक यू भैया। तो जी हुकुम सिंह जी हैं, हुकुम सिंह ठाकुर जी। डॉक्टर सुषमा कलभोर जी हैं। सर मेरा इस पे कृतज्ञता के भाव पर एक प्रश्न है। जी बहुत दिनों से जैसे जैसे उम्र बढ़ी है तो कृतज्ञता का भाव बढ़ते जाता है। मैं खुद में महसूस कर रही हूँ कि मेरे में कृतज्ञता का भाव तो है पर मुझे कई बार खुद को याद दिलाना पड़ता है कि कोई कभी कुछ कमी हो जाती है तो नहीं ये तो टेम्पररी है पर इन्होंने मेरे लिए ये बहुत अच्छा किया था या इन्होंने मेरे लिए सहयोग किया था तो वो कहीं मन में कचोटता है कि कृतज्ञता का भाव मेरे मन में परमानेंट क्यों नहीं उभर के रहता, वो बात मेरे मन में ऐसा द्वंद क्यों चलता है कि ये इन्होंने यहाँ पे मेरे पे ध्यान नहीं दिया। तो मुझे फिर अपने आप को उथल पुथल को व्यवस्थित करने के लिए फिर वो बात याद दिलानी पड़ती है खुद को कि देखो ये तो उन्होंने सबसे ज्यादा अच्छी चीज की है मेरे लिए तो इसका क्या मेरे लिए ये होना चाहिए। जी आपका प्रश्न जो मैं देख पा रहा हूँ ये है कि भाई हम किसी के लिए कंटिन्यूटी में क्यों नहीं रख पाते, हम कंडीशन क्यों लगाते रहते हैं। जी तो ये बात ठीक है। अभी क्या है ना, हमने मानव को घटना के आधार पर तय कर लिया है। किसी ने मेरे साथ चार बातें अच्छी कर ली तो मैं कहा हाँ भाई ये तो अच्छा व्यक्ति है, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया तो मैं कहा ये तो बहुत बुरा व्यक्ति है। जबकि अगर हम ये ध्यान दे पाए, इसीलिए विश्वास को जो है वो आधारभूत मूल्य कहा, अगर हम विश्वास को देख पाए तो ये बात ध्यान में आती है कि भाई हर एक मानव का चाहना तो ठीक ही है जी, लेकिन योग्यता होती है तो कर पाते हैं, योग्यता नहीं होती है तो नहीं कर पाते हैं जी। तो अभी हमने क्या है ना, मानव को कंडीशन लगा दी है कि ये ऐसा है ये ऐसा है, उसने अच्छा बात किया तभी मैं ठीक से रहूंगी, और वैसी मान्यताएं हमने आ गई और मान्यताओं की भी ना परत दर परत चढ़ गया है जी। और जब हम उसको देख नहीं पाते हैं तो समस्या, देख लेते हैं तो और समस्या। अब ये लगता है कि भाई इतनी मान्यताएं आ गई अब क्या करें, फिर वो मान्यताओं को हम देखते जाते हैं और वो अगर जितना ज्यादा हम सहज स्वीकृति के आधार पर जीते जाते हैं मान्यताएं अपने आप छूटती जाती हैं, हमको उसको छोड़ने की भी जरूरत बहुत नहीं पड़ती है। सर ये तो अल्पविराम का जब मैंने आप लोगों से जुड़ी थी उसके बाद जो मन में सहजता और सहज जीवन के लिए रास्ते अपने आप बनते गए, जैसे जैसे मन में बातें उतरती गई स्वीकारती गई मैं बहुत शांत से जीवन जी पा रही हूँ। ठीक बात। तो ये दिखता है कि भाई जितना जितना हम अपने पर काम कर पाते हैं और उतना मैं अपने में आराम में आ पाता हूँ और सामने वाले का सहयोगी भी हो पाता हूँ जितना जितना हम अपने पर काम कर पाते हैं। जितना हम अपने पर काम नहीं कर पाते हैं उतना मैं खुद को परेशान करता हूँ और सामने वाले को भी फिर मैं बहुत सहयोगी नहीं हो पाता हूँ। ये बात ध्यान में आती है जी। तो धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। तो बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि वो दोनों को स्वीकार कर पाते हैं, करीब 70-75% लोग, 20-25% लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई क्या नहीं किया गया है उस पे ज्यादा केंद्रित बना रहता है,
कि भाई सामने वाला क्या नहीं कर पाए, जैसे सुबह से उठे और अक्सर ऐसा होता है कि भाई घर पहुंचे और उन्होंने फोन करके बताया कि भाई कॉलेज में है, ये सामान लाना है, कि आलू भी लाना है, प्याज भी लाना है, मिर्चा भी लाना है, ये भी लाना है, 10 सामान की लिस्ट भेज दी। अब जो 9 सामान हम लेके पहुंचे घर, एक सामान नहीं लाए, तो हमारा पहला फोकस रहता है वो क्यों नहीं लाए। जो 10 सामान ले आए उस पर बहुत फोकस नहीं रहता है, वो एक क्यों नहीं आया उसी पर फोकस है, फिर उस पर लड़ाई झगड़ा चीखना चिल्लाना झंझट ये सब शुरू हो जाता है, क्योंकि हमको वो ध्यान नहीं आ रहा है कि भाई वो 10 सामान में कहा 9 तो आया है, 9 की कोई बहुत सुनवाई नहीं हो पा रही, ध्यान नहीं जा पा रहा, एक का हो पा रहा है। तो इसलिए और अपने में ही ऐसी कुछ मान्यता सेट हो गई है, वो मान्यता हो सकती है हमको परिवार से मिली हो सकता समाज से मिली हो सकता अपने दोस्तों से कलीग से शिक्षा से कहीं से मिली हो, और वो एक मान्यता आ तो गई है ना, हमको जांच परख करके देखना है कि भाई ये मान्यता ठीक है कि ठीक नहीं है। हम लोग यहाँ ये नहीं कह रहे कि कोई मान्यता गलत है, हम अपने में जांच परख करके देख लें कि मेरी कौन सी मान्यता ठीक है कौन सी मान्यता ठीक नहीं है। तो इतनी बात कृतज्ञता को लेकर है, और जब मैं अपने लिए देख पाता हूँ तो ये देख पाता हूँ अपने से लेकर इस धरती के 750 करोड़ मानव तक हर एक मानव के प्रति कृतज्ञता का भाव ध्यान में आता है, किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता है, ऐसा मुझे ध्यान में आता है। अब जब विश्वास सम्मान श्रद्धा गौरव कृतज्ञता इन सभी भावों को अगर देखते हैं तो ये दिखता है कि मानव की मूलभूत चाहना तो निरंतर सुख श्रेष्ठता को पाना दिखाई ध्यान में आती है। श्रेष्ठता को कहा व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना, और उसी श्रेष्ठता से ही निरंतर सुख जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो मानव की मूलभूत चाहना है वो हो सकती है। तो दिखता है कि मानव की मूलभूत चाहना श्रेष्ठ होने की ध्यान होती है, और श्रेष्ठता चारों स्तर की व्यक्ति में, परिवार में, समाज में, प्रकृति और अस्तित्व में। विश्वास सम्मान किसके लिए होगा, सभी के प्रति होगा, हर एक मानव के प्रति। व्यक्त उनसे होगा भाई जिनके साथ संपर्क में आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि राह चलते हर एक को पकड़ के बोल रहे कि भाई आपके प्रति विश्वास है, आपके प्रति सम्मान है। भाई जिनके साथ भी जीना हो रहा है उनके साथ विश्वास और सम्मान को व्यक्त करेंगे। श्रद्धा श्रेष्ठ मानव के प्रति, जो भी श्रेष्ठ है उनके प्रति। गौरव जिन्होंने श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया उनके प्रति, और कृतज्ञता जिन्होंने मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया। तो ऐसा ध्यान में आता है कि हर एक ने ही मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया है, ऐसा मुझे ध्यान में आता है। अब अगर हम प्रेम को देखने चलते हैं जो हमारा आखिरी भाव है इस परिवार के संबंध में, तो ये बात ध्यान में आता है अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर हम इसको देख पाए कि हम किसी के साथ भी संबंध के भाव में नहीं रहना चाहते हैं। तो इसको कहा सभी के साथ विरोध में, हमने ये कहा कि भाई हम किसी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो इसको ये कहा सभी के साथ विरोध में के भाव में। अगर हम एक के साथ या कुछ लोगों के साथ, कई लोगों के साथ संबंध के भाव के साथ रहना चाहते हैं, एक के साथ संबंध का भाव, कई के साथ संबंध का भाव, इसको कह रहे हैं स्नेह। सभी के साथ जो संबंध होने का भाव है, पोल जो है पोल को अभी बंद कर दिया गया है, तो पोल अभी कोई भी पोल चल नहीं रहा है, तो आप लोग ना परेशान हो, बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में लिख भी रहे हैं, तो अभी सारे पोल बंद है, तो आप लोग पोल के लिए ना परेशान हो, और उसको कोई मार्क नहीं किया जा रहा है अभी। अगर भैया स्टार्ट है तो उसको बंद कर दो, पोल को बंद है भैया, बंद है। अच्छा ठीक। तो जो प्रेम की बात हो रही है, तो अगर ये बात है कि भाई किसी के साथ भी संबंध नहीं है, तो उसको कह रहे हैं कि विरोध का भाव। एक व्यक्ति के साथ या कई व्यक्ति के साथ संबंध का भाव है, उसको कह रहे हैं स्नेह। और सभी व्यक्ति के साथ अगर संबंध का भाव है, तो उसको कह रहे हैं प्रेम का भाव। स्नेह को कह रहे हैं दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकारने का जो भाव है, उसको कह रहे हैं स्नेह। और प्रेम को कह रहे हैं हरेक को संबंधी के रूप में स्वीकारने का भाव। अब हरेक मतलब हरेक, कोई छूट नहीं गया उसमें,
ये चार लोगों को छोड़ के जो भी लोग हैं इनको संबंधी के रूप में स्वीकार लिया, ये जो 10 लोग हैं इनको छोड़ के, ये जो कॉलेज के हमारे वो लोग हैं, स्कूल के वो हैं, उनको छोड़ के हम सबको अपना दें। तो प्रेम के भाव को कहा कि हरेक को संबंधी के रूप में अपना लिया, और इसी को कहा पूर्ण मूल्य, कंप्लीट वैल्यू। लेकिन अभी जो प्रेम को लेकर प्रचलित मान्यताएं हैं और जो युवाओं में खास तौर से जो मान्यताएं हैं, वो क्या मान्यताएं दिखती हैं उसको भी देख लें हम लोग, जो सामान्य भ्रांतियां हैं उस वो क्या क्या है, ये दिखती है कि भाई आवेश से, संवेदना से, मान्यता से, के भाव से भ्रमित होकर। संवेदना से किस तरह से, कि वासना से, दूसरे से पाना, उससे हमको लगता है कि भाई उससे प्रेम पूरा होगा। और उसमें ये बात ध्यान में आती है कि उसमें कोई भी निरंतरता नहीं है। और मान्यताएं किस तरह की हैं, कि भाई पहली नजर में प्यार हो गया, स्कूल पहुंचे, कॉलेज पहुंचे, वहां दिख रहा है कि भाई पहली नजर में प्यार। फिर ये बात आजकल ध्यान में आती है कि भाई 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, 10वीं के बच्चे हैं, 8वीं के बच्चे हैं, इस उम्र तक तुम्हारी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, इस उम्र में तो होनी चाहिए। फिर ये भी है कि भाई उसके पास चार गर्लफ्रेंड है, चार बॉयफ्रेंड है, मेरे पास एक भी नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी मान्यताएं भी प्रचलित हैं समाज में प्रेम को लेकर, और ये दिखता है कि इन सब की निरंतरता संभव नहीं है। सही समझ और सहज स्वीकृति के आधार पर क्या है कि सभी से संबंधित होने का भाव, सभी के प्रति जिम्मेदारी का भाव, सभी को स्वीकारने का भाव को हम कह रहे हैं प्रेम। विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य के आधार पर सभी से संबंधित होने के भाव, और स्वाभाविक रूप से जो प्रभावित होता है, प्रवाहित होता है, उस भाव को हम कह रहे हैं प्रेम का भाव। अभी कल्पनाशीलता में क्या है, बहुत सारी मान्यताएं चल रही हैं, बहुत सारी संवेदनाएं चल रही हैं, और बहुत सारा इस तरह से हमको जो है हमारे आसपास जो समाज में या जो मूवीज में, नाटक में, इस तरह की चीजें हमको ज्यादा दिखाई दे रही। तो हमने प्रेम और इस तरह की बहुत सारी मान्यताएं भी वैसी मना ली जिसमें आसक्ति, वासना, ये सब भरा हुआ, और इसको लेकर हम प्रेम की बात कह रहे हैं। अभी एक वर्कशॉप हुई तो इसी में एक 8-9 साल की बच्ची आई और एक 11-12 साल की बच्ची अपने माँ बाप के साथ आए, वर्कशॉप करके गए। वर्कशॉप करने के बाद जब वहां पहुंचे तो बड़ी बच्ची, दोनों छोटी बच्ची, दोनों अच्छे से बातचीत करती थी। एक दिन जो है वो बड़ी बच्ची आई और वो बहुत परेशान थी, तो छोटी बच्ची जो है वो बोली क्या हो गई, बोली नहीं, चुप रही एकदम। फिर उसकी मम्मी से बताया छोटी बच्ची ने कि वो दीदी आई, दीदी बहुत परेशान है, कुछ बोल नहीं रही, बात भी नहीं कर रही, खाना भी नहीं खा रही, खेल भी नहीं रही। माँ ने जब बहुत जोर किया कि क्या हुआ, तो वो क्लास 5 की बच्ची ने एक पर्चा दिखाया कि भाई एक लड़के ने ये लिख के दिया है, उसमें लिखा था आई लव यू और बोला है कि कल जवाब लेकर आओ। अब वो छोटी बच्ची जो है वो इस कंटेंट से गुजरी हुई थी, तो वो जाके बोल दी उस बड़ी बहन को कि उसको पूछ लेना कि तुमको आई का मतलब भी पता है, लव का मतलब पता है, यू का मतलब पता है, या केवल लिख ही दिया है तुमने। तो अभी हमको लगता है कि ये बच्चों से इन सब तरह की बात करेंगे तो उन तक पहुंचेगा नहीं, और अभी हमको लगता है कि ये सारी बातें बच्चों तक ही सीमित है। लेकिन जब बहुत सारे टीचर वर्कशॉप करने आए तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ये तो टीचरों में भी सब चल रहा है, वहां भी ये सारी बातें प्रचलित है। तो अगर हम सहज स्वीकृति को नहीं देख पा रहे हैं और केवल हमारा जीना मान्यताओं और संवेदनाओं से है, तो वो चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, सभी में ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन अगर सहज स्वीकृति को देख पाएंगे तो बच्चा भी प्रेम को समझ सकता है, जवान भी प्रेम को समझ सकता है, और बूढ़ा व्यक्ति भी प्रेम को समझ सकता है। अभी इस तरह का पेपर में एक बार, पेपर का ही आर्टिकल है, कटिंग है, कि पेपर में लिखा हुआ आया था कि नंबर 1 किलर इन 4 स्टेट्स। अगर हम प्रेम को ठीक से नहीं समझे हैं तो हम ये कह देते हैं, क्या प्रेम किलर हो सकता है, क्या प्रेम किसी की हत्या कर सकता है? प्रेम तो हर एक को संबंधी के रूप में स्वीकारने का जो भाव है उसको कह रहे हैं प्रेम।
लेकिन अगर प्रेम को हम केवल और केवल मान्यता के तौर पर देख रहे हैं तो फिर हम बहुत सारी जो है वो गड़बड़ी करते हुए दिखाई देते हैं। हमने अभी प्रेम और वासना में कोई फर्क ही नहीं समझा है, हमको लगता है प्रेम और वासना एक ही है, ये निश्चित रूप से प्रेम नहीं है। और युवाओं को या हम सभी को प्रेम को ठीक ढंग से समझने की जरूरत है, और विशेष रूप से युवाओं को जरूरत है, और युवाओं तक इन बातों को हम ही आप पहुंचा सकते हैं। हम सब लोग शिक्षा के कार्य से जुड़े हैं और हमारा एक अहम रोल है। शिक्षा के कार्य से केवल शिक्षक ही नहीं जुड़े हैं, जो माता पिता हैं वो भी जुड़े हैं, जो समाज के लोग हैं वो भी जुड़े हैं। हर एक का अहम रोल है कि इस बात को हम अपने खुद में पहले क्लैरिटी हो जाए और फिर दूसरे व्यक्ति तक इसको पहुंचा के देख पाए। तो प्रेम को कहा हर एक को संबंधी के रूप में स्वीकारने का भाव, पूर्णता में रति, पूर्णता में रत होना, हर एक को के साथ संबंध में निहित रस भावों की अनुभूति कर पाना। और जब हमको ये संबंध की स्वीकृति हो जाती है कि हर एक मेरा संबंध है, ये शुरू तो स्नेह से होता है, किसी मानव के ऊपर मुझे विश्वास हो गया, वहां पर स्नेह हो गया और वहां पर सम्मान हो गया, और वहां पर जिस पर भी विश्वास और सम्मान हो गया उसके प्रति स्नेह हो गया, और वे स्नेह धीरे 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 फैलता हुआ प्रेम तक पहुंचता है। तो एक से शुरू होकर अनेक तक और फिर हरेक तक जो संबंधी हम स्वीकार रहे हैं, ऐसे भाव को कह रहे हैं प्रेम। और प्रेम की जो भावना है वो दया, कृपा और करुणा के रूप में व्यक्त की जाती है। भाव सभी के लिए है प्रेम का भाव, भाई ऐसा थोड़ी ना राह चलते हरेक को बोले कि भाई मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। भाई ये प्रेम का भाव हर एक मानव के लिए, जिन भी व्यक्ति के साथ जीते हैं उनके साथ व्यक्त होता है, दया, कृपा और करुणा के रूप में ये व्यक्त होता है। और लेकिन है ये हर एक मानव के लिए, ऐसा ध्यान में आता है। और प्रेम ही प्रेम का भाव ही अखंड समाज की नींव है, ये बात ध्यान में आती है। मैं न्याय की बात थोड़ा सा और रख देता हूँ और फिर हम लोग अपनी ब्रेक, लंच ब्रेक जो है उसको कर सकते हैं एक दो प्रश्न लेकर। या तो भैया चाहें कि ना तो लंच के बाद न्याय से ही समाज को प्रारंभ कर लें। मैं थोड़ा सा इधर रख देता हूँ फिर उसको चर्चा शुरू। ठीक है, ठीक। तो जो न्याय की बात हुई तो न्याय को कहा मानव मानव संबंध की पहचान, उसका निर्वाह और मूल्यांकन और उभय सुख। अब पहचानना क्या है कि बिना शर्त संबंध को स्वीकार करना, दूसरे को उनकी क्षमता और वर्तमान योग्यता के साथ स्वीकार करना। ये बात ध्यान में आ जाए कि हम लोग एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं, तो फिर वहां बहुत परेशानी नहीं होती। तो इस तरह से मानव जो संबंध है उसकी पहचान हो जाए। अब जब निर्वाह करने जाए तो स्वयं में सहज स्वीकार भाव को सुनिश्चित करना और दूसरे के साथ साझा करना। जब भी हम जीने जा रहे हैं संबंधों के भाव के साथ, तो अपने में सहज स्वीकृति क्या है भावों की, उनको देख लें, उसको अपने में सुनिश्चित करें और दूसरे के साथ साझा भी करें। दूसरे के साथ बिना शर्त जिम्मेदारी से जीना, कोई शर्त लगा के जिम्मेदारी से नहीं जिया जा सकता। बिना शर्त जिम्मेदारी से जीना और दूसरे को सहज और आश्वस्त करता है। उभय सुख के लिए प्रयास करना, अपनी योग्यता का विकास करना और दूसरे की विकास में मदद करना है। तो ये हो गया संबंधों का निर्वाह। मूल्यांकन किसको कह रहे हैं, यह जांच करना कि सही भाव दूसरे तक पहुंच गया है तथा दूसरे के सही भाव को समझने में सहयोग करना, इसको कह रहे हैं मूल्यांकन। अभी ये जो न्याय है ये हमको कोर्ट से मिलेगा, ये कचहरी से मिलेगा, थाने से मिलेगा, फैमिली कोर्ट से मिलेगा, या हर एक संबंधों में, या मैं ये कहूँ हर एक परिवार में न्याय की जरूरत है। चैट बॉक्स में लिख दें, अगर परिवार में जरूरत है तो पी लिख दें, कोर्ट में मिलेगा न्याय तो आप सी लिख दें। बड़ी तो ये बात ध्यान में आती है कि हर एक परिवार में न्याय की जरूरत है, पर अभी हम न्याय को समझे नहीं है तो हमको लगता है न्याय के लिए तो कोर्ट कचहरी है, और कोर्ट कचहरी भी न्याय कर रहे हैं कि फैसला कर रहे हैं ये भी देख लें। दो भाई हैं आपस में संबंध से नहीं रह पा रहे हैं, कोर्ट में गए कि भाई हम लोग संबंध पूर्वक नहीं रह पा रहे हैं, कोर्ट भी बोल देता ठीक है भाई अलग अलग हो जाओ। तो ये क्या हुआ,
ये न्याय हुआ या फैसला हो गया, हम इन सब चीजों को भी देख लें। तो इतनी बात यहाँ तक हम लोगों से परिवार में जो बात हुई विश्वास से लेकर प्रेम तक, समय की कमी की वजह से बहुत जल्दी जल्दी इन पूरी बातों को रखा और मुझे लगता है बहुत ठीक ढंग से रख भी नहीं पाए। कभी बड़ी वर्कशॉप में मौका मिलेगा, कभी फुल डे वर्कशॉप में जो 8 दिन की रहती है उसमें मौका मिलेगा, तो फिर से आप सभी लोगों के साथ चर्चा होगी। यहाँ पर हम लोग 1-2 प्रश्न लेकर फिर ब्रेक कर लेते हैं। तो हमारे साथ हुकुम सिंह जी हैं। जी हुकुम सिंह जी, दिनेश